धनाक महिमान सन् पूर्वे साध्या शांति देवा हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय साहिने नमो वयम वैश्वणाय कुर्महे शमी कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैश्वणुदातु कोईराय वैश्वणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम सुराज्यम वैराज्यम पारवेष्टम राज्यम महाराजमाधिपतमं समंत पर्याय सर्वभूमः सर्वायुकांता धात्परादात् पृथ्वी समुद पर्यंताय एकराड़ितिदपिश्लोक विगतो मरुता परिवेष्टारो मरुतस्यावसन ग्रहे आविष्टस्य काम प्रवेश्वे देवासवासति। ओम विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्दवस्वत संबाह्यं समधि समवेद्येभ्यः भूमि जनन्ति विवेकः हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् गणेशाम्बिकायै च विद्महे कर्म सिद्धे च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात्। ओम कात्यायन च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। ओम श्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्रा प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। ओम श्री नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णा प्रचोदयात्। ओम श्री वंदिकावकुलचंबकपाटलाब्जे पुन्नागजादिकरविललसालपुष्पै विलव प्रवाल तुलसीधरमांगरी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि था कालुवन च पुष्पांजलि ग्रहाण परमेश्वरः मंत्रुष्पांजलि समर्पयामि बाल गोपालाय नमो नमः श्री प्राणसुत्तमाय नमो नमः। बोले गणेश जी महाराज की, शंकर भगवान की, माता पार्वती मैया की, वृंदावन बांके बिहारीलाल की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय जय श्री सभी भक्त अपने कथा उचित स्थान पर बैठकर परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज के मुखारविंदों से श्री मद भागवत कथा अमृतमयी रसामयी कथा का आप सभी भक्त अवलोकन करेंगे और अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ में बनाएंगे। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज जय जय श्री राधे श्याम श्री गणेशाय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवगनवीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूमने विश्वाय विश्वगुरुवे परदेवताय नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय यं प्रव्रजन्त मनुपेतुमपेत कृत्यम् द्वीपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री चरणन गोवास। वर्षाने की राधिका नंद गाँव के श्याम उनके चरणों में करो मैं बारंबार प्रणाम। मनोज मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोति मुख्यं
श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को अभिषेक की जय जय सीताराम, जय जय राधे, जय जय सीता। श्री भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, मावती महादेव की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भक्त भगवान की, ओम अपने अपने मताई बाप की, अपने गुरुदेव भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, दो पायन श्री महाराज की, जय जय श्री श्री राधे। अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा अजन्मा अनंत निर्विकार सर्वाधार सर्वव्यापक भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हुए पधारी हुई भक्तिमती माताएं बहने एवं छोटे बाल गोपाल, मंच पर उपस्थित कलाकार बंधुगण एवं उपस्थित संत समाज विप्र समाज सब को महाराज सबन के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को बारंबार प्रणाम। स्थान देवता ग्राम देवता नगर देवता सबको बारंबार प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना भाई अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें एवं श्री प्रभु की कृपा से श्री माँ दुर्गा की कृपा से महाराज आज हम भागवत कथा के तृतीय दिवस की वेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। विगत महाराज आज द्वितीय दो दिन से महाराज देख रहे लाइव यूट्यूब चैनल पर समस्त भक्त वृंदों को प्यार भरा राधे राधे। इंदौर की पावन धरा न्यू जगदीश नगर महाराज यहाँ समस्त साहू सोप्रिया परिवार की ओर से चल रही श्रीमद् भागवत कथा में हमारे यजमान बने हुए श्री अमर सिंह जी सपत्नी, श्री अशोक जी सपत्नी एवं समस्त साहू परिवार अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं एवं अपने महाराज जन कल्याण का महाराज मार्ग भी देख रहे हैं। आज सुंदर भागवत कथा के तृतीय दिवस की वेला में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। ये क्या कम कर दिया भैया आपने, थोड़ा कर आओ, थोड़ा सा तुम चाहिए बस, अगली सेट वो बंद कर दिया है शायद, कुछ क्या बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आइए चलते हैं मंगलाचरण की ओर। ये मंगलाचरण जो होता है ना भागवत में, ये इसलिए होता है ताकि हमारे जीवन में मंगल आचरणों का आगमन हो। हमारे जीवन में जब तक मंगल आचरणों का आगमन नहीं होगा तब तक महाराज हमारा मन पवित्र नहीं होगा। मन और वाणी दोनों पवित्र होती हैं। भगवान की कथा के पूर्व में इसलिए मंगलाचरण और संकीर्तन करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। कौन कौन बुला रहा है हमारे प्यारे को। गोविंद चले आओ गोपाल
केवल तुम्हें पाने की शर्त हमने जमाने से लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा बैठी, प्रभु हमने लगा ली प्रभु हमने लगा ली है। कौन सी शर्त लगाई? दुनिया में हमने खूब शर्तें लगाई, हमने पति को जाना, पति ने पत्नी को जाना, पत्नी ने पति को, और पुत्र को जाना, पुत्री को भी जाना, रिश्तेदारों को जाना, हमने संसार में सबको जाना, लेकिन उसे नहीं जाना जहां एक दिन हमें खुद है जाना। लेकिन आज प्रभु से कहो, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, प्रभु
हरे प्रभु है मैंने लगा ली है या हमको बोला लो तुम या हमको बोला लो तुम या खुद ही चले आओ या हम गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले हरि आयो की सेवा करते हुए मैया बांकी बिहारी लाल की कभी भी प्रभु खोजने से नहीं मिलते प्रभु खोजने से नहीं मिलते प्रभु भजन में खो जाने से मिलते हैं जब तक हम प्रभु को खोजेंगे ना नहीं मिलेंगे लेकिन जब हम संकीर्तन में भजन में कथा में खो जाएंगे तो प्रभु मिल जाएंगे तो राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे ऐसे नहीं कैसे भगवान के दरबार में बैठकर भगवान के चरणों में ताली बजाते हुए कैसे ऐसे नहीं एक बार हम बोलेंगे एक बार आप बोलिए राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे 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 हम सबकी ये बिगड़ी तो हम सबकी ये बिगड़ी तो प्यारे ये तो बनाएंगे राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे राधे निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम कौन कौन चाह रहा है कि महाराज हम जो यहाँ संकीर्तन कर रहे हैं इसका परिणाम निकलेगा निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम तेरे घर भी आएंगे घनश्याम निकलेगा भक्ति का ये परिणाम तेरे घर आएंगे मेरे निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम तेरे घर भी आएंगे घनश्याम निकलेगा ये भक्ति का परिणाम तेरे घर आ
कौन कौन बुलाना चाह रहा है, ताली बजाओ ना। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा भक्ति का ये परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। और जब भगवान आएंगे तो अपन को बस एक काम करना है, वो आएंगे। बस याद कर हर याद कर, बस याद कर हर याद कर। और याद जो नहीं कर रहा भगवान को, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। इसलिए बस याद कर हर याद कर, बस याद कर हर याद कर। तू ना जीवन बर्बाद कर, तू ना जीवन बर्बाद कर, तू ना जीवन बर्बाद कर, बर्बाद कर। बीते दिन लौटन आएंगे। हाथ ऊपर करो। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। ओ वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम। नारे जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। भगवान को जब हम और आप बुलाएंगे रिझाएंगे तो भगवान जरूर आएंगे। हम और आप बड़ भागी हैं जो ये मनुष्य तन तो हमें प्राप्त हुआ ही, ऊपर से हम सनातनी बन गए। और महाराज सनातनी में भी हम भगवान के भक्त बन गए। ये भगवान की बड़ी असीम कृपा हमारे ऊपर है। समय का सदुपयोग करना भूल न जाना। कहीं ये समय ना निकल गया तो फिर बाद में पछतावा हो। एक बार जो समय ये निकल रहा है, ये दोबारा लौट कर नहीं आ रहा, ये जा रहा है। पहले महाभारत आया करता था, पुराना सीरियल है महाभारत, उसमें महाराज वो चक्र चलता था। वो कहते थे कि मैं समय हूं, ये जो हो रहा है वो मेरी इच्छा से हो रहा है। हम और आप अपने हाथ में घड़ी को बांध लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम ये भूल जाते हैं कि घड़ी को हमने नहीं बांध रखा, घड़ी ने हमें बांध रखा है। हम घड़ी को नहीं बांध सकते। एक एक समय निकल रहा है। कहीं से हम निकल रहे थे, लोग वैसे ही गप्पे लड़ा रहे थे, हमने कहा क्या कर रहे हैं, बोले हम टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा आप टाइम को पास आज कर रहे हैं, कहीं टाइम तुम्हें पास कर देगा फिर पछताओगे। तो समय का सदुपयोग हमें और आपको करना है। इस समय एक बार निकल गया दोबारा मिलता नहीं। आज हमें और आपको ये कितना सुंदर समय महाराज प्राप्त हुआ कि भगवान की सुंदर कथा श्रवण करने का जो आनंद हमें प्राप्त हो रहा है भगवत कृपा से, आज माँ दुर्गा की कृपा से,
आज भागवत के हम और आप तृतीय दिवस की वेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल हमने शिव पार्वती जी का विवाह श्रवण किया, भगवान भोलेनाथ का महाराज आनंदमय उत्सव के साथ सब भक्तों ने धूमधाम से विवाह उत्सव भी मनाया, झांकी का दर्शन भी किया। आइए चलते हैं आगे महाराज, सुंदर कथाएं आती हैं ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज की कथा है। ध्रुव जी महाराज कौन? भक्त हुए भगवान के। कहते ना हम और आप, भगवान की भक्ति करने का कोई समय नहीं होता। भगवान की भक्ति, ध्रुव जी महाराज की क्या उम्र थी? उनकी उम्र महाराज 5-6 वर्ष की। जब भगवान प्रकट होकर भगवान ध्रुव जी के दर्शन करने आए, दर्शन देने नहीं आए, ऐसे बड़े भक्त हुए महाराज जिनको भगवान दर्शन देने आए। लेकिन ध्रुव पर भगवान ने विशेष कृपा की। आपको पावन ध्रुव जी की कथा हम श्रवण कराने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। जो कहते हैं कि भक्ति करने की उम्र होती, अभी तो बच्चे हैं, अभी तो महाराज विवाह शादी होंगे, फिर महाराज विवाह शादी भी जिनके हो गए वो भी लगे हैं अभी परिवार में। अरे अभी रुको, अभी तो क्या, अभी कमाएंगे और उसके बाद फिर बच्चे होंगे, फिर विवाह, उनके विवाह करके। और वास्तव में फुर्सत कभी मिलती नहीं जीवन में। ध्रुव जी महाराज को देखो, ध्रुव जी महाराज बड़े पावन कथा है। ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद राजा सुंदर महाराज, इनकी दो रानी सुरुचि और सुनीति। सुनीति और सुरुचि जो नाम है ना, ये दो ही प्रकार की माताएं होती हैं। सुरुचि कौन? जो अपनी रुचि से जो मन में आ रहा है वो कर रही है, वो सुरुचि हैं। और सुनीति कौन? सुनीति वह जो नीति के साथ काम करें, वो सुनीति है। अब आप अपने हिसाब से देख लेना अपन कौन सी है। जो मन में विचार आए, जो किसी की ना सुने, वो सुरुचि है। तो ये जो सुरुचि है, ये छोटी रानी है महाराज उत्तानपाद की। दूसरा विवाह हुआ था क्योंकि बड़ी रानी सुनीति के यहाँ उस समय कोई संतान नहीं थी। लेकिन जब द्वितीय विवाह इनने किया महाराज उत्तानपाद ने, यहाँ से विवाह करके वो आए, खूब महाराज स्वागत हो रहा था छोटी रानी का। इतने में पता लगा वो गर्भवती हैं। अंत में महाराज कालांतर में सुनीति के यहाँ और सुरुचि के यहाँ, दोनों के यहाँ ही पुत्र हुआ। छोटी रानी के यहाँ उत्तम नाम के पुत्र का जन्म हुआ और देवी सुनीति के यहाँ श्री ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। ध्रुव जी महाराज की जय हो। महाराज ध्रुव थोड़े बड़े हुए, छोटे भाई उत्तम बड़े हुए। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। राज सिंहासन पर महाराज उत्तानपाद जब बैठे तो छोटे राजकुमार जो सुरुचि के पुत्र हैं, वह पिता उत्तानपाद की गोद में राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। आज जब ध्रुव जी ने देखा कि पिता की गोद में राज सिंहासन पर आज बैठे हुए हैं उत्तम छोटे भाई, तो इनकी भी इच्छा हुई हम भी जाकर बैठें। आज ध्रुव जी महाराज जब अपने पिता की गोद में जाने लगे और उत्तानपाद राजा की गोद में जाने के लिए चढ़ने लगे, तो आज जो छोटी रानी थी सुरुचि वो वहीं खड़ी थी। उनने हाथ पकड़ लिया, ए कहां जा रहे ध्रुव, अभी तुम यहां ऊपर नहीं जा सकते। चलो अगर तुम्हें राज सिंहासन पर पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें पहले भगवान का तप करना होगा। जाओ जंगल में भगवान का भजन करो, और जब भगवान का भजन करोगे, तप करोगे, तो वो प्रकट होंगे, और वो प्रकट होंगे तो उनसे कहना कि मुझे छोटी माँ सुरुचि के गर्भ से जन्म दें, तब जाकर तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य होगे, नहीं तो नहीं। आज सुरुचि इतने अभिमान में आ गई, इतने महाराज क्रोध में आकर के आज बोली कि अपने आप को भगवान से बड़ा बता रही है। हम और आप कभी कभी हम वो बोल जाते जो हमें नहीं बोलना चाहिए। परिवार में लड़ाइयां क्यों हो जाती है ना? बिना सोच विचार करके जो हम काम करते हैं ना, उसमें महाराज फिर बाद में पछतावा होता है।
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बाद में पछतावा होता है। सुरुचि ने आज अपने आप को भगवान से बता करके बड़ा गलती कर दी। देखो आज तो ध्रुव जी महाराज को बड़ा बुरा लग गया। अच्छा एक बात और, अगर आपसे कभी कोई बुरा बोले या आपसे कभी कोई बुरा भला कह भी दे तो उसको धन्यवाद कहा करो। देखो ध्रुव जी महाराज से आज उनकी सौतेली माँ ने बुरा कहा। आज सुरुचि ने जब बुरा कहा तो ध्रुव जी महाराज गुस्सा नहीं हुए, अपनी माँ के पास गए। सुनीति माँ से कहा, माँ छोटी माँ कहती है कि राज सिंहासन पर बैठना है तो मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। आज सुनीति ने कहा अच्छा, और पूरी बात आज ध्रुव जी ने जब बताई तो सुनीति माँ देखो हो तो सुनीति की जैसी, उन्होंने कहा तुम्हारी छोटी माँ ठीक ही तो कहती है, क्या गलत कहा उन्होंने? अरे उन्होंने कहा कि जाओ जंगल में जाकर भगवान को प्राप्त करो। अरे तुम तो इस छोटी सी राज सिंहासन पर बैठने के लिए जा रहे थे पुत्र, तुम्हारी जो छोटी माँ है उनने तो तुम्हें उस सिंहासन का मार्ग बता दिया, जो नारायण अगर प्रसन्न हो गए तो दुनिया के सबसे बड़े सिंहासन पर बैठा देंगे। आज वहां से भी सुनीति ने बुरा नहीं सोचा, अपने पुत्र को सही मार्ग दिखाया। ध्रुव जी महाराज जो हमारे बारे में जो बुरा कहें बुरा बोले उनको धन्यवाद बोला करो, थैंक यू। क्यों बोले? जब हमारी कमी लोग निकालेंगे तो कमी निकलना चाहिए। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभा। आप जब निंदकों को पास में रखोगे ना तो एक दिन आप निर्मल हो जाओगे। निंदक को पास रखा कर। अच्छा ध्रुव जी महाराज को ये बात हृदय पर लग गई और रात्रि के समय में ध्रुव जी महाराज तप करने के भाव से, नारायण को प्राप्त करने के भाव से निकल पड़े। हमारे और आपके मन में इतनी जल्दी ये मन भाव नहीं आता मन में कि भगवान को प्राप्त कर ले, मन में और भी चीजें आती हैं, लेकिन ये भाव आ जाए तो फिर मन ही महाराज बड़ा वो मन बड़ा धन्य है। ध्रुव जी महाराज के मन में एक संकल्प एक निष्ठा कि केवल और केवल नारायण को प्राप्त करना है। क्या बोलना पड़ेगा महाराज? बन की ओर जब ध्रुव जी महाराज बढ़ गए तो रात्रि का समय, अब जब वन में पहुंचे तो वन में रात्रि के समय में नारद जी ने देखा कि ये बालक कैसे भटक रहे हैं। आज जब नारद जी ने देखा कि ये बालक भटक रहा है तो आज पहुंच गए नारद जी और पूछा, अरे पुत्र यहाँ कहाँ भटक रहे हो? क्या अपने घर का मार्ग भूल गए हो? क्या तुम गलती से यहाँ वन में आ गए हो या तुम्हें किसी ने छोड़ दिया यहाँ पर? चलो चलो घर छोड़कर आए। ध्रुव जी महाराज बोले, हमें किसी ने छोड़ा नहीं, ना ही हम मार्ग भटके, हम तो आज नारायण को ढूंढने निकले हैं, नारायण कहाँ मिलेंगे। आज नारद जी बोले, नारायण को ढूंढने जा रहे हो बेटा? जीवन निकल जाता संतों का, महात्माओं का, ब्राह्मणों का, भगवान का भजन करते करते ऐसे अनेक अनेक साधु जिनको महाराज जीवन निकल गया, ध्यान लगा रहा लेकिन झलक प्राप्त नहीं हुई, और तुम कहते हो नारायण नारायण को ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएंगे, जाओ घर पर खेलो, खेलने का समय अभी। ध्रुव जी बोले, नहीं महाराज मुझे तो केवल और केवल भगवान का दर्शन चाहिए। भगवान नारायण कहाँ मिलेंगे उनका पता अगर आपके पास हो तो बताओ, नहीं कोई बात नहीं। आज ध्रुव जी महाराज की जब बात सुनते हैं तो नारद जी समझ गए भैया चेला पक्का है। आज नारद जी ने गुरु दीक्षा दी, गुरु मंत्र दिया ध्रुव जी महाराज को, और जब ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र दिया तो और कह दिया इस मंत्र का जाप करो निश्चित तौर पर तुम्हें नारायण मिलेंगे, और ध्रुव जी महाराज ने गुरु के वचन को सत्य मान लिया। हमें गुरु मंत्र मिल भी जाता तो हम वचन नहीं मानते, हम तर्क करने वाले हो गए। हमारा
तर्क करना कहां सही होगा, हम अपने यहां तर्क करते। लोग मुझे बड़ा कष्ट होता जब हमारे सनातनी लोग हमारे सनातन धर्म पर तर्क करते, भगवान है तो दिखता कौन है, अनेक अनेक चीजें अपने ही साधुओं को अपने ही संतों को अपने ही सनातनियों को इस टारगेट कर रहे सनातनी। और लोगों को देखा आपने कभी कोई अपने ही पंथ में कोई ज्यादा सबसे ज्यादा खिचड़ी अपने ही उसमें बनती है सबसे ज्यादा, कितनी निंदनीय बात है। हम अपने ही भगवान को लगे जितना खतरा बाहर के लोगों से नहीं उतना इन विधर्मियों से है जो अपने धर्म में रहकर अपने धर्म का अपमान करते पर तुले हुए। और किसी धर्म का और किसी पंथ का और किसी मजहब के व्यक्ति को आपने कभी देखा बुराई करते हुए, आपने कभी देखा सुना? ये इसलिए क्योंकि हम और आप जानते तो है नहीं, और अगर कोई बगल में कर रहा हो तो उसकी हां में हूं और मिलाने लगते हैं। आज ध्रुव जी महाराज अपने वचन पर सत्य अड़े, हमें तो केवल और केवल नारायण को प्राप्त करना, और गुरु के वचन को सत्य जब मान लिया फिर तो उससे आगे कोई वचन नहीं। गुरु अगर जीवन में आए ना, गुरु का अर्थ होता है गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए वही तो गुरु होता है, वो गुरु होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए। गुरु जीवन में बनाना अति आवश्यक है। ध्रुव जी महाराज ने आज गुरु बनाए और ये निश्चित है जिसको गुरु मिल गए, नारद जी आज ध्रुव जी को मिले तो भगवान मिलेंगे। गुरु जिसको मिल गया उसको भगवान मिला। गुरु का काम क्या? बोले संसार सागर के किनारे से भव सागर के किनारे तक ले जाना ही गुरु का काम है। संसार सागर के किनारे से भव सागर तक ले जाता है वो गुरु। नदी के कितने किनारे होते हैं? दो किनारे होते हैं, दोनों दिख रहे, लेकिन आपने कभी समुद्र का किनारा देखा? समुद्र का एक किनारा तो दिखेगा लेकिन दूसरा किनारा नहीं दिखेगा। वैसे ही हमारे जीवन के भी दो किनारे हैं, एक है जन्म, ये जन्म का किनारा तो हमें और आपको दिख रहा, लेकिन जो दूसरा किनारा है मृत्यु वो हमें नहीं दिख रहा। और वो ही सफल बनाते हैं गुरुदेव भगवान, जो संसार सागर की यात्रा से भव सागर की यात्रा सफल करा दे वो गुरु होता है। एक राजकुमारी थी वो झरोके से झांक रही थी, एक चोरों महाराज ध्यान से सुनना, ये गुरु क्यों बनाना चाहिए जीवन में वो बता रहा हूं मैं कथा, मुझे याद आ गई। और नारद जी को आज गुरु बनाया, ध्रुव जी ने गुरु मंत्र प्राप्त किया, वो जब तक मंत्र का जाप कर रहे हैं गुरु मंत्र का, जब तक हम आपको ये बताएं गुरु क्यों बनाना चाहिए। एक राजकुमारी थी और वो राजकुमारी झरोके पर खड़ी हुई थी, संतों की मंडली आई, संतों की मंडली जब राजकुमारी के महल के नीचे आई तो राजकुमारी ने सोचा क्यों ना महाराज को जल पिलाया है। तो जल का कलश हाथ में लेकर उन संतों के पास वो राजकुमारी पहुंची, महाराज लीजिए जल पीजिए। संतों ने राजकुमारी से पूछा क्या पुत्री तुमने गुरु दीक्षा ले रखी है? बोले नहीं गुरु दीक्षा तो नहीं ली महाराज। बोले तो फिर क्षमा करना हम जल तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि अधीक्षित हो, अधीक्षित के हाथ का जल संत महात्मा ज्ञानी ग्रहण नहीं करते, नहीं किया करते। अब इसलिए भी जल ग्रहण होता कि चलो भाई निवेदन, लेकिन पहले पक्के नियम हुआ करते जो जब तब कुछ विधान ऐसे होते किसी अनुष्ठान के अंदर कि अधीक्षित के हाथ का जल अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। उस राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ कि बताओ हम दीक्षा नहीं लिए तो आज हम अपने हाथों से महाराज को जल भी नहीं पिला सकते। और वो राजकुमारी महल में चली गई, संत महात्मा निकल कर चले गए। अब उस राजकुमारी के मन में विचार आया कि हमें गुरु दीक्षा लेनी। अब तो महाराज एक दिन की बात, चोर संतों का भेष बनाकर आ गए, चोर संतों का भेष बना के आए चोरी करने के भाव से। अच्छा चोर वगैरह संत का ही भेष क्यों बनाते हैं? ये संत का भेष बड़ा पावरफुल है सा, रावण ने भी चोरी की सीता जी की, देखो संत का भेष बनाया। संत के भेष में वो बल है
केवल और केवल भेष में भी वो बल है तो समझ जाओ ओरिजिनल संत में कितना बल होगा। भेष के बल से लोग बच जाते तो ओरिजिनल संत का बल क्या होगा। ये सनातनी है। आज चोर संत का भेष बनाकर आ गए। जब उन संतों के भेष में उन चोरों को राजकुमारी ने देखा तो उनने तो संत समझा, चलो गुरु दीक्षा ले आए। आज उन महाराज के पास आए, गुरु जी हमें दीक्षा चाहिए। चोरों ने सोचा राजकुमारी बढ़िया मिल गई, राजकुमारी के गले में खूब आभूषण रत्न हीरे मोती मणि माणिक्य थे। चोरों ने सोचा कहां अपन चोरी करते फिरते, इस राजकुमारी के जी सारे गहने उतरवाओ और अपना काम तो बन गया। अब तो राजकुमारी से कहा ठीक है गुरु दीक्षा तो देंगे, चलो एकांत में वहां जंगल में लेगा, एक पेड़ से बांध दिया और सारे जेवर वगैरह उतरवा लिए। अब तो जेवर उतरवा करके एक कोठरी में बांध दिए। राजकुमारी से कहा अब नेत्र बंद कर लो, नेत्र बंद करके एक वृक्ष से बांध दिया पेड़ से और कहा जब तक हम ना कहें जब तक आंख मत खोल। अब तो राजकुमारी बंध गई और महाराज चूर जो थे वो अपनी पोटरी को उठाया आभूषणों की और 9-2-11 हो गए, भाग गए आज चोर। अब जब चोर भाग गए, शाम हो गई, रात्रि हो गई, राजकुमारी जब घर पे नहीं महल नहीं पहुंची तो राजा रानी ने प्रजा में हाहाकार मच गया, ढूंढना आरंभ किया। जब खूब ढूंढा गया तो ढूंढते ढूंढते महाराज वन में वृक्ष के यहाँ बंदी हुई राजकुमारी मिल गई। सूचना महाराज को मिली, महाराज पहुंच गए। आज तो जो राजा थे उन्होंने कहा अरे पुत्री तुम यहाँ कैसे, बोले हमारे गुरुजी ने बांधा है और वही आकर के खोलेंगे। अब तो उसने राजा ने कहा उस राजकुमारी से पुत्री वो कोई गुरुजी नहीं थे, संत नहीं थे, वो संत के भेष में महाराज चोर आए थे। अब वो कहे नहीं हम तो वो आएंगे जब ही खुलेंगे, जब तक नहीं खुलना। प्रजा एक महाराज बहुत भीड़ लग गई वन में घेर लिया। रात्रि का समय एक पूरा रात निकल गई, सुबह हो गई, दूसरे दिन शाम हो गई। राजकुमारी ने आंख नहीं खोली और ना ही किसी से कहा अगर किसी ने खोलना चाहा तो मैं प्राण त्याग दूंगी, गुरुदेव आकर ही खोलेंगे। अब तो महाराज बोली सब बैठ गए वहां। नारद जी निकल करके जा रहे थे वहां से। जब नारद जी वहां से निकल के जा रहे थे तो नारद जी ने आज देखा ये बड़ी भीड़ लगी हुई है, क्या बात है। नारद जी जब आए राजा ने सारा वृत्तांत बताया। राजा ने जब पूरा वृत्तांत सुनाया नारद जी समझ गए वो चोर ही थे। आज नारद जी बोले ठीक है राजकुमारी को तो समझाने से कोई फायदा नहीं। नारायण नारायण करते हुए वैकुंठ धाम भगवान नारायण के यहाँ पहुंच गए नारद जी। आज जब नारद जी के पास इतना देखो पावर तो है ही कि भगवान से कहें कुछ निवेदन करें। आज नारद जी ने भगवान नारायण से निवेदन किया प्रभु एक राजकुमारी है जो गुरु दीक्षा ली और महाराज वहां बंदी हुई है, कोई चोर थे और धन लेकर के भाग गए, लेकिन उसकी निष्ठा और उसकी भक्ति उसका विश्वास बड़ा सराहनीय है। आज नारायण ने प्रभु ने जैसे ही सुना तो नारद जी के साथ भगवान नारायण आ गए और नारायण जब आए तो नारद जी ने आज उस राजकुमारी से कहा सुनो पुत्री ये गुरु बनाए जाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। भाई भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु बनाया जाता, इस आत्मा को परमात्मा तक ले जाने के लिए गुरु बनाया जाता, अब गुरु की कोई जरूरत नहीं क्योंकि परमात्मा नारायण स्वयं तुम्हारे सामने आ गए हैं, अब तुम नेत्र खोल लो। आज उस राजकुमारी ने कहा नहीं अगर वो गुरु ना बनाए होते तो ये नारायण आज मेरे सामने ना खड़े होते। अब तो वो राजकुमारी कहे लेकिन फिर भी मैं भगवान को भी तभी देखूंगी तभी नेत्र खोलूंगी तब वो गुरु आएंगे। अब नारायण भगवान ने आज प्रभु ने कहा जाओ नारद जी उनको देख कर लाओ। नारद जी गए ध्यान लगाकर देखा एक गुफा में जाकर वो तो अपने आभूषणों को हिस्सा बांट कर रहे थे, ये तुम्हारा ये हमारा। पोटली महाराज पड़ी हुई थी आज उस पोटली को बांधा। इतने में नारद जी पहुंच गए तो चोर भागने लगे।
अब तो नारद जी ने पकड़ा, कहाँ जा रहा है महाराज? महाराज बोले हम कोई महाराज नहीं, हम चोर हैं, भाग जाने। तो बोले नहीं, पूजा होगी, चलो। अब तो नारद जी उन दोनों को पकड़ कर लाए। और महाराज आज नारद जी ने जैसे ही उस राजकुमारी के सामने उन्हें खड़ा किया, तो आज उस राजकुमारी को उन्होंने खोला। तो उसने पहले गुरु को प्रणाम किया, फिर भगवान को। गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाल, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। आज उस राजकुमारी की जो निष्ठा थी, जो भक्ति थी, जो विश्वास था, वो इतना प्रबल था कि वो चोर भले ही संत के भेष में आए थे, वो संत के भेष में भले ही चोर थे, लेकिन आज उसके विश्वास से, उसकी जो भावना थी, उससे भगवान भी वहीं प्रकट हो गए और नारायण भगवान का भी दर्शन किया। आज नारद जी को गुरु ध्रुव जी महाराज ने बना लिया। निश्चित तौर पर इनको भगवान मिलेंगे, ये यहाँ निश्चित हो गया, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। आज गुरु मंत्र जब नारद जी को मिल गया, नारद जी से जब ध्रुव जी को गुरु मंत्र मिल गया, तो अब गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं। और जाप हम और आप जब व्रत करते, उपवास करते, या तो करते ही नहीं, उपवास करते तो फलार भी चकाचक ही होता है नाम का, क्योंकि अपना भी हो रहा है। हाँ, क्योंकि हम फलार रहे थे, लेकिन लगता नहीं उपवास है। कहीं साबूदाना का खिचड़ी, तरबूज, बोटिक्की, आज बढ़िया रोज एक टाइम भोजन चल रहा। हमारे साहू जो यजमान जी, साहू परिवार, ये भी सब, लेकिन सब सकाचक। लेकिन देखो व्रत कैसे करना चाहिए, ये नियम तो है, इसको व्रत कहा नहीं जाए। अच्छा, व्रत उसको भी नहीं कहा जाएगा कि तुम अन्न छोड़ दो, अगर व्रत करना है तो पूरी चीजें छोड़ दो। लेकिन व्रत समझो, ये तप में बाधा ना आए। अब जैसे हम और आप कथा श्रवण कर रहे, अगर खूब ही अन्न खाएंगे तो अन्न खाने से आलस्य आता है, और आलस्य आएगा तो कथा में मन नहीं लगेगा, नींद लग जाएगी, इसीलिए हल्का खाया जाता है। अब इसके लिए ये मत समझो कि हम फलार करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं नहीं, भूखे रहेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है जी। नहीं तो ऐसे भी हैं जो 24 घंटे ही भूखे हैं, भूखे ही मारे ही मर गए, भगवान प्रकट हो जाते। ऐसा भी नहीं जंगल में रहने से भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि पशु जंगल में ही रह रहे, भगवान ऐसे नहीं। ये सब ये तो साधन है भगवान तक पहुंचने का। हमें और आपको चाहिए केवल मन भगवान में लगा रहे, कर्म सब करो जीवन में, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, अपने मन को सुमारत लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अच्छा, ये मन कब लगेगा? ये मन जो है ना, ये चंचल है साहब। आपको हम ऐसे घोड़े पर, ऐसे घोड़े लगे हों जिस रथ में 10 घोड़े लगे, और रथ में आपको बैठा है, अब जैसे उस दिन कलश यात्रा में हम बग्गी में बैठे, 10 घोड़े लगे हों और ऐसे ही बग्गी में, रथ में आपको बैठा दिया जाए और घोड़ों को दौड़ा दिया जाए और आप सबकी लगाम ले ली जाए। अब 10 घोड़े लगे, लगाम आपके पास एक भी नहीं, तो बताओ वो घोड़े कहाँ लेके जाएंगे आपको? भाई अगर आप घोड़े को चलाने के लिए आपके पास लगाम नहीं, तो फिर तो गई भैंस। उसी प्रकार 10 घोड़े हमें रोज चला रहे हैं, हम समझ नहीं रहे। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 घोड़े हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और उस पर ये महाराज सेनापति है बुद्धि। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हर दम ये संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमारथ लगाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपने रथ को सुमार के लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो ओ काम करते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो अपने मन को सुमारत लगाते चलो अपने मन को सुमारती लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो ओ कर से करम करहु विधि नाना मन राखऊ जहां कृपा ने धाना आप अपने हाथों से हर काम करो झाड़ू लगाओ भोजन बनाओ बर्तन मांजो कपड़े धो लेकिन मन भगवान में लगा रहे हो कर से करम करहु विधि नाना मन रखो जहाँ कृपा निधाना सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम भगवान मैं मन लगा रहे केवल महाराज मन भगवान में लगा रहे अब भोजन बना रहे भोजन बनाते बनाते महाराज भगवान का नाम आपका जप करना संभव है कोई कोई माता जी तो वो आटा कोई बड़ी जब उसको आटे को लगाया जाता तो उसमें ही गुस्सा उतार देते आदि उसके बाद जब रोटी बनाते और कोई पप्पू गंदगी कर दे रुक जादारी के अभी बता रही अब वो रोटी में भी सब वही भावना मिल रही है रोटी में अब उस रोटी को जब सेक करके जब दी जाएगी पति देव को तो उनकी बुद्धि कैसी होगी फिर वो भी कहेंगे रुकदारी की अभी बता रहे हैं फिर सेम तो यू हो जाएगा इसलिए जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा कहने का भाव ये आप अगर भोजन बनाएंगे और भगवान का नाम लेकर भोजन बनाएंगे तो फिर उस भोजन का स्वाद अलग हो जाएगा उसका स्वाद महाराज फिर बढ़ जाएगा और वो टेस्ट ऐसे ही नहीं वो महाराज जो टेस्ट आएगा ना वो अलग होगा वो कोई मसाले का नहीं वो जो उसमें कृष्ण नाम रस का भी टेस्ट आ जाएगा हाँ झाड़ू लगाओ तो भगवान का नाम पहले माता हमारी दादी जी झाड़ू लगाया करती थी हम सुबह सुबह उठते दादी जी झाड़ू लगाते गाती थी सबरी कर रही रास्ता साफ राम मेरे कब घर आवेंगे राम मेरे कब घर आवेंगे हाँ आज महाराज हम और आप काम भी कम करते हैं आजकल तो बड़ा आनंद है घर में से नहीं निकलती ये तो बड़ी कृपा है माता रानी की के निकल के टेंट में आ गई नहीं तो दिन भर टीवी चल रहा सोफे पे बैठे महाराज नहीं पहले कितना कष्ट हुआ करता था गांव में जो पहले परिवार में दादी सास रही होंगी कुएं से जल भर के लाना और भी महाराज हाँ लीपा पोती करती आज तो ना लिपाई ना पुताई ना महाराज चक्की पे चकिया पे आटा पीसा जाता था आदि जीवन तो बहुत आटा ही पीसते पीसते निकल जाता हाँ और उनकी खुद की बहू आ जाती थी वो चकिया ही पे आटा ही उनका पीसता अब तो महाराज बस बटन दबाई वो चालू ऊपर से सावर स्नान हुए दूसरी बटन दबाई टंकी भर गई जल की व्यवस्था भी हो गई तीसरी बटन पतिदेव की दबाई तो पूरा सामान घर में आ गया और महाराज सब व्यवस्थाएं कंप्लीट बोलो राधे हाँ लेकिन भगवान को बुलाया करो हो राम आएंगे राम हो राम आएंगे राम आएंगे हो मेरी झोपड़ी के
मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे और राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी कुटिया के, ओ मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे और राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, श्री राम, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम सीताराम। तालियों की सेवा करते हुए भैया और जब राम आएंगे तो क्या करोगे? आप तो ताली भी नहीं बजा रहे, इसीलिए तो राम आ नहीं रहे कि ये यार बुला ही नहीं रहे, हम क्यों जाएं? लेकिन जो बुला रहे हैं वो क्या करेंगे? अच्छा, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के, मेरे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, राम आएंगे, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, श्री राम, झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, हरि बनहा। देखो, चांद को गुरूर था, हमने कहा हे चांद मत कर इतना गुरूर, मैंने भी एक चांद देखा है, हे चांद मत कर इतना गुरूर, मैंने भी एक चांद देखा है, अरे तुझ में तो दाग है, मैंने बेदाग देखा है, राम आएंगे तो,
सुंदर ताली बजाते हुए हमारे अमर सिंह जी वगैरह सब कहाँ गए? आओ, सामने नहीं है आज हमारे साहू। परिवार के सभी सदस्यगण खड़े हो जाएंगे और सुंदर भगवान को उसके बाद चलते हैं। राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी, आएंगे तो पलना झुलाऊंगी, राम आएंगे तो ना झुलाऊंगी, राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी, ओ मीठे मीठे मैं भजन ही सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन ही सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, ओ मेरी जिंदगी के, मेरी जिंदगी के दुख सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे, जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी गोपिया के, मेरी गोपिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी कोटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी गोटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, 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 मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम जाएंगे, राम आएंगे, क्या बोलना पड़ेगा जोर से? ध्रुव जी महाराज को विश्वास, मेरे नारायण आएंगे। अच्छा, भगवान कहाँ रहते हैं? जहां भक्त की हां भगवान वहां। आज ध्रुव जी महाराज को जब नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, अब तो महाराज वो कुछ खाए पिए बिना, कुछ महीने केवल और केवल पत्ते खाए, कुछ महीने जल पिया, फिर तो कुछ महीने बाद वो सांस लेना भी छोड़ दिया, एक पैर पर खड़े होकर कठिन तप किया,
और जब कठिन तब किया, अब तो महाराज एक पैर पर खड़े होकर सांस रोक करके जब महाराज गुरु मंत्र का जाप करने लगे, अब तो इंद्र का सिंहासन हिल गया। ये कौन इतना कठोर तप कर रहा है कि महाराज लगता है कोई इंद्र को पहले डर लगता है। जब आप कोई पुण्य काम करें, जब आप जब तप करते हैं ना, तो देवता भी कपने लगते हैं। क्यों? इंद्र को लगता कहीं ऐसा ना हो इतना कठोर तप कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान कहेंगे मांगो क्या चाहते हो, और इंद्र ने कह दिया हमें स्वर्गलोक का राजा बना दो, तो इंद्र सोचते हमारी ड्यूटी तो गई। तो इंद्र देवता सर पकड़े अपना, इतना कठोर तप कर रहे हैं, अब ना जाने ये क्या मांगेंगे भगवान से। आज नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, देखो हमारा भक्त कितना कठोर तप कर रहा है। मात्र 5 वर्ष की अवस्था उस समय ध्रुव जी महाराज की। हाँ, ध्रुव जी महाराज कठोर तप कर रहे, तो आज वो मन में वो भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे। सुंदर। अब तो यहां नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अपने भक्त के दर्शन करने जा रहा हूं। लक्ष्मी जी से क्या कहा? ये नहीं कहा मैं दर्शन देने, बोले करने जा रहा हूं। और आज भगवान नारायण ध्रुव जी के आगे आकर के खड़े हो गए, और प्रकट जब भगवान हुए तो ध्रुव जी महाराज ने आंख नहीं खोली, वो तो बस अपने जब तप में लगे हुए। आज जब ध्रुव जी महाराज ने देखा, कब? जब ध्रुव जी महाराज को देख करके भगवान ने सोचा ये तो हमें देख ही नहीं रहे, और देख नहीं रहे, हम इनके सामने खड़े देख इसलिए नहीं रहे क्योंकि जो भगवान पूरे सामने खड़े वो ही झांकी का दर्शन ध्रुव जी अपने हृदय में अपने मन में कर रहे। जब मन में ही भगवान का दर्शन हो रहा है तो वो बाहर आंख नेत्र खोले ही क्यों? आज भगवान ने पहले तो जो मन में दर्शन कर रहे ध्रुव जी महाराज उस झांकी को गायब किया। जैसे ही भगवान ने उस झांकी को गायब किया जो ध्रुव जी के मन में दर्शन दे रही थी, आज ध्रुव जी महाराज घबरा गए क्योंकि हृदय में भगवान अवरुद्ध थे। आज वो जैसे ही गायब हुए घबरा करके हड़बड़ा करके अपने नेत्रों को खोला, और जैसे ही नेत्रों को खोला जो मन में झांकी का दर्शन कर रहे थे वही नारायण आज सामने खड़े हुए पाए। भक्तवत्सल भगवान की। आज जब सामने खड़े हुए भगवान को ध्रुव जी ने देखा, अब ध्रुव जी को देख ध्रुव जी ने नारायण भगवान को देखा तो वो ये भूल गए कि करना क्या है, क्योंकि अब 5 वर्ष की अवस्था ना, तो उनको ये पता कि स्तुति कैसे करना, पूजन कैसे करना, प्रणाम, अब ज्यादा ज्ञान तो था नहीं ना। अब वो विचार करने लगे मैं क्या करूं। आज जब वो विचार कर रहे मैं क्या करूं, तो भगवान समझ गए ध्रुव विचार नहीं कर पा रहे इनको क्या करना है। आज भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोलों से लगा दिया, और जैसे ही ध्रुव जी महाराज के कपोलों से उस शंख को लगाया, ध्रुव जी महाराज को ज्ञान वेद पुराण सब याद हो गया, कंठस्थ हो गया। आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति कर दी। सुंदर स्तुति आज ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं। भगवान देखो कैसे ज्ञानी बना देते। आज महाराज सारे वेद पुराण कंठस्थ हो गए, आज ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे। योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ता संजीवयस्खिल शक्तिधर स्वदाना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज भगवान जैसे ही महाराज ध्रुव जी स्तुति कर रहे, तो भगवान ने आज प्रसन्न होकर के खूब आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी से कहा मांगो क्या चाहते हो। आज ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में हैं, और आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके ये सुसुप्त वाणी से ये स्तुति करवा रहे हैं।
आपकी कृपा से ये बल प्राप्त हो गया ये वाणी को। और वास्तव में जब हम ये चाह लें कि भगवान की कृपा से ही हमें सब प्राप्त हुआ तो फिर बात ही क्या। जब भगवान की कृपा होती ना तो बिन पग चले सुने बिन काना, भगवान लंगड़े को दौड़ा देते महाराज, गूंगे को बुलवा देते, हाँ बैरे को सुनवा देते। भगवान सर्व सामर्थवान है और ऐसे ही भगवान है, चलते फिरते बोलते करते दिखते नहीं लेकिन कर वही सब रहे। आज ध्रुव जी महाराज से भगवान ने कहा मांगो कुछ वरदान मांगना चाहो तो। आज ध्रुव जी कहते नहीं प्रभु बस आपको देख लिया अब कोई वरदान मांगने की इच्छा नहीं रही। प्रभु के सामने प्रभु से कुछ मांगना प्रभु का अपमान ही है। हाँ एक बार एक राजा ने ये सभा में कहलवाया भैया कल के दिन जो भी आएगा और जिस चीज पे जो हाथ रख देगा हमारे राज्य में वो चीज उसकी हो जाएगी। जब ये अनाउंस करवाया तो अब तो महाराज दूसरे दिन सब सोचे कि अब हम हाथी पे घोड़े पे रथ पे हाथ रखेंगे, सोने चांदी के ढेरों पर हाथ रखेंगे। अब तो महाराज दूसरे दिन जब प्रजा पहुंची राजमहल में तो आज राजमहल में पहुंच करके कोई घोड़े पे हाथी पे सब अपने अपने ऐसे जिसकी जो चिंता महाराज चिंतन चल रहा था वो उस चीज पे हाथ रख रहा था। आज महाराज जैसे ही एक व्यक्ति ने जाकर राजा पे हाथ रख दिया, उसने कहा ये राजा हमारा और हम राजा का जो सामान वो सब हमारा। अब तो उसने कह दिया भाई सब अपने अपने सामान जो भी जिसने जिस सामान पे हाथ रखा सब हटाओ। अब तो महाराज जैसे ही कोई ने महाराज रथ पे हाथ रख रखा, कोई ने घोड़े पे, कोई ने महाराज सोने चांदी के सिक्कों पर, कोई ने महाराज हीरे मोती मणि माणिक और अनेक अनेक आभूषणों को, सब उसका हो गया। उसी प्रकार वो राजा है भगवान और हम सब हैं प्रजा भगवान की और हम सब भी ये घर गाड़ी बंगला रिश्ते नाते परिवार इन सब चीजों पे हाथ रखे बैठे हैं, लेकिन जब हम भगवान पे हाथ रख देंगे तो सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हमें हो जाएगा। हम इन चीजों को पकड़ के तो ये हमारा। लेकिन जब हम पिताजी को चोरी करके भगवान का अपमान किया, भगवान ने कहा ठीक है। लेकिन रावण ने जो विभीषण लंका में रहे ऐसे उन विभीषण को लात मार के भगवान के भक्त का अपमान किया, वो भगवान को सहन नहीं हुआ। एक बार भगवान अपना अपमान सहन कर लेते लेकिन अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं करते। हाँ मानो जैसे अब हम कोई अपमान कर दें भगवान का कुछ निकल जाए तो भगवान एक बार क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर हम कोई भक्त का अपमान करेंगे कोई प्रभु के भक्त का अपमान करेंगे तो भगवान वो क्षमा नहीं करते। एक बार भृगु जी ने भगवान को छाती में जाकर लात मारी, भृगु जी वैकुंठ पहुंच गए और भगवान को जाकर के छाती में लात मार दी। जब छाती में भगवान को लात मार दी तो भगवान ने कहा अरे महाराज अरे संत महाराज भगवान कहीं आपको तो पैर में कहीं चोट नहीं लग गई, आपके बड़े कोमल चरण और हमारा कठोर वक्षस्थ हृदय कहीं आपको चोट तो नहीं आ गई। तो भगवान अपने अपमान को तो भूल जाते हैं हाँ, लेकिन अपने भक्त का अपमान सहन नहीं करते। भगवान तो महाराज सर्व सामर्थवान है, वो प्रभु जो एक बाण से समुद्र को सुखा देते हैं। उन भगवान ने हनुमान जी से क्या कहा था कि जाओ लंका में मेरा एक भक्त रहता है विभीषण, पूरी लंका जल जाए लेकिन हमारा विभीषण का एक घर ना जाए। भक्त का बड़ा ख्याल रखते भगवान। क्या बोलना पड़ेगा जोर से, आज ध्रुव जी महाराज ने सुंदर महाराज भगवान की स्तुति करके भगवान से कहा बस प्रभु हमें आपका दर्शन हुआ अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज जब कुछ नहीं मांगते, अच्छा देखो भगवान तो समझ जाते व्यक्ति को कामनाओं का कांटा लगा हुआ है, साइकिल नहीं हुआ करती थी
जब लगता था साइकिल आ जाए, जब साइकिल आई तो लगा अब मोटरसाइकिल ही आ जाए। एक कामना का कांटा निकलता दूसरी कामना का कांटा लग जाता, अब जब मोटरसाइकिल आ गई तो दूसरा कांटा लगा अब फोर व्हीलर आ जाए, जीप कार फोर व्हीलर आई, अब उसके बाद फोर व्हीलर का कांटा निकला दूसरा कांटा लग गया, अब बढ़िया मकान हो ये मकान छोटा पड़ गया, अच्छा मकान भी बना वो कांटा निकला, एक कामना का कांटा निकलता दूसरा कामना का कांटा लग जाता व्यक्ति। अब ये मत समझो कि हम संतोष जी से ही कह रहे हैं, क्योंकि छोटा मकान करके दूसरा बना रहे हैं ना, आज सुबह ही चर्चा चल रही थी गुरुजी, अब क्योंकि हम संतोष जी के मकान में पहुंच गए, भगा देते हैं जहां जाते वहां से भगाया जाता, हमारे लिए दो तीन जगह से भगाया गया, चलो भगो इनको हम नहीं झेल पाए, अब हमें संतोष जी ने झेला। संतोष जी आज ही बता रहे थे गुरुजी नया मकान बन रहा है, हमने क्यों बोले वो छोटा जी बड़ा, वो कथा भी आज आ गई, हमने इसलिए कह दिया, हमने समझ मत लेना कि आपसे कह रहे हैं, ये कामना है, अब देख लेना ये भी छोटा पड़ना है दो साल बाद। हाँ क्योंकि होता है ये कामनाओं का कांटा कभी पूरा नहीं होता, भगवान भक्त का पहले पूरी कामना पूरी करना चाहते हैं भगवान भी, कि पहले इस भक्त की जो जो इच्छाएं हैं पहले इनको पूरा करूं उसके बाद भैया आजा भक्ति करने, क्योंकि जब तक तुम कामनाओं की कांटे में लगे रहोगे, कांटा कामना का जब तक तुम्हें लगा रहेगा तब तक तुम भगवान का भजन कर नहीं पाओगे। तो भगवान आज ध्रुव जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी एक कामना का कांटा लगा है, क्यों कौन सा कांटा, जब पिता की गोद में जा रहे थे ना बैठने के लिए उस समय राजगद्दी पर बैठने की इच्छा की थी, आज भगवान को पता है तुम कहो मत कहो लेकिन हमें पता तुम्हें बैठना है राजगद्दी पे, जाओ और 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करना, उसके बाद ध्रुव लोक में ध्रुव तारा बन के चमकोगे। भगवान आज अंतर ध्यान हो गए और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया, और उनकी जो छोटे भाई उत्तम हैं, एक बार उनकी कहीं कोल भीलों से युद्ध हो गया और इनके उत्तम भाई युद्ध में मारे गए, ध्रुव जी ने भी तलवार उठा ली और अनेक युद्ध करने लगे, नारद जी ने आकर ध्रुव जी से कहा अरे आप भगवान के भक्त हो आप युद्ध क्यों कर रहे हो, पर ध्रुव जी का क्रोध शांत हुआ और उनका समय पूर्ण हुआ, ऊपर से विमान लेने के लिए आया, जब ध्रुव जी भगवत धाम को जाने लगे उस समय विमान में जब बैठने लगे तो मृत्यु आ गई, अरे ध्रुव जी महाराज कहाँ जा रहे हो, ये मृत्यु लोक है, यहाँ से कोई बिना मृत्यु को स्वीकार करे ऊपर जा नहीं सकता, आप कहाँ ऊपर जा रहे हो पहले मृत्यु को स्वीकार करो। ध्रुव जी ने कहा मृत्यु देवी से देखो नीचे कुछ गिर तो नहीं गया, मृत्यु ने जैसे ही सिर झुकाया मृत्यु के सिर पे पैर रख करके विमान में चढ़कर आज ध्रुव जी भगवत धाम को जाने लगे। भक्ति में वो बल होता है कि देखो भक्त मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भी भगवत धाम को चला जाता है, आज ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर, अच्छा ध्रुव जी ने देखा हम तो विमान में आ गए लेकिन हमारी माता जी, पार्षद बोले अरे जो माँ के गर्भ से आप जैसा भक्त ध्रुव पैदा होता हो वो माँ कैसे रह जाएगी पीछे, आज तो पार्षदों ने कहा देखो आगे वाले विमान में तुम्हारी माँ ही जा रही है, अपने कुल को लेकर के भगवत धाम को पहुंचता है जो भक्त हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की, भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो
जाते हुए नाम जो है ना ये अमृत है। अच्छा, लेकिन हम अमृत को छोड़ करके विष पी रहे हैं। कामना ये भोग विलास ये विषय भोग ये विष ही तो हैं। और कब पी रहे हैं जब हमें पता है क्या कालू सदा अपने रस डोले ना जाने कब सुर चढ़ बोले ना जाने कभी सुर चढ़ बोले ना जाने कभी सुर चढ़ बोले काल सदा अपने रस बोले ना जाने कब सिर चढ़ बोले ना जाने कभी सिर चढ़ बोले ना जाने कभी सिर चढ़ बोले हरि का नाम जपो निस बसरे 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 इसमें बरस महीना क्या हरि नाम नहीं तो अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना सब अंग सजावे रसना पर हरि नाम ना आवे रसना पर हरि नाम ना आवे खूब सुंदर सुंदर आभूषण पहने बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहने लेकिन जुबा पर भगवान का नाम नहीं है। भूषण से सब अंग सजावे रसना पर हरि नाम ना आवे रसना पे हरि नाम ना आवे और जब भगवान का नाम नहीं आ रहा ना जुबा पर अंत समय क्या होगा देह पड़ी रह जाए यहाँ पर देह पड़ी रह जाए यहाँ पर देह पड़ी देह पड़ी रह जाए यहाँ पर देह पड़ी रह जाए यहाँ पर कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या
हरी राधे। तू है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। भगवान का नाम तीरथ है, गंगा जी गए खूब डुबकी लगाई, लेकिन नाम भगवान का नहीं आ रहा जुम्बा पर। सबसे बड़ा तीरथ भगवान का नाम है, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। हो अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम नावे, काशी और मदीना हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विषमीना क्या, हरि नाम नहीं तो प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम राम नहीं जीना क्या। क्या बोलना पड़ेगा जोर से, ध्रुव जी महाराज भगवत धाम को गए, भगवान के भक्त। ये सुंदर शोभ सर चल रहा भैया, कल आज तो हमारा बामन भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे, और कल तो धूमधाम से भगवान का कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो सबको बढ़िया पीले पीले वस्त्रों को पहन के आना है, बढ़िया तैयार होकर के, और बढ़िया टॉफी वगैरह वगैरह सब बधाइयां लुटाई जाएंगी, बधाई लाना भी है और बधाई लूटना भी है, यहाँ से बधाई बढ़िया सजेगा, गुब्बारे लगेंगे सब, तो कल कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, तो आप सभी बढ़िया पीले पीतांबर वस्त्र पहन करके आएंगे। बाल कृष्ण लाल की, हाँ और बढ़ा दो। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से, भगवान का भजन करते करते हमें महाराज सब विचार करना। भागवत में कथा आती है भरत जी महाराज की, भरत जी महाराज हुए जिनका महाराज सुंदर प्रसंग कथा के माध्यम से हम आपको श्रवण करा रहे। भरत जी महाराज के तीन जन्म की कथा है भागवत में, तीन जन्म की कथा भरत जी महाराज की। भरत जी महाराज जो हुए, उन्होंने मन में विचार किया कि मैं अपना सब कुछ त्याग करके केवल अब तो वन में जाकर कुटिया बनाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा। जब कुटिया वन में बनाई और कुटिया वन में बना करके या भगवान का भजन करने के लिए तत्पर हुए, और खूब भजन करते भी थे, अपनी पत्नी पुत्र राजपाट सब धन वैभव ऐश्वर्य छोड़ करके जंगल में आके कुटिया बना करके भगवान का भजन करने लगे।
एक दिन की बात है महाराज, भरत संत बन गए, अब तो घर त्याग दिया। अब तो जब एक दिन महाराज नदी में स्नान कर रहे थे, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, उन्होंने देखा एक गर्भवती हिरनी नदी में कूद गई, शेर की दहाड़ के कारण वो भयभीत होकर के जब भागी, आज जब वो भागी तो वो गर्भवती हिरनी का जो बालक था वो नदी में ही उसका जन्म हो गया, और जन्म देते ही वो हिरनी ने अपने प्राण त्याग दिए। जड़ भरत जी महाराज की ये सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। भरत जी महाराज आज देख रहे कि कैसे महाराज आज वो हिरण का जो बच्चा वो जल में बहता हुआ जा रहा था, आज उसने जब मदद के लिए जब हाथ पैर फड़फड़ाए तो आज भरत जी महाराज ने उसको गोद में उठाया और अपनी कुटिया पर ले आए, उसको महाराज कम्बल उड़ाया, और तो और उसको खूब आराम से महाराज नरम नरम दूबा, नरम नरम घास उसके मुख में रखी। अब वो हिरण का जो बच्चा था वो थोड़ा बड़ा हुआ हिरण। अब भरत जी महाराज जो भगवान का भजन करते थे कुटिया में बैठ करके, अब उनका वो कम होता गया, क्योंकि इनकी ममता लग गई इस हिरण के बालक में। आए थे भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का भजन करने आए, सब कुछ छोड़ा, सब कुछ त्याग दिया, आज उस हिरण के बालक में इनकी ममता लग गई। अब तो ये भजन करने बैठे और हिरण का बच्चा आए और कहे, चाटने लगे इनको, और जैसे ही आकर के चाटे तो ये उसको गोद में बैठा ले, माला एक तरफ रख दे, बोले अबे मेरा है ही कौन इसके अलावा। अब तो इनका भजन कम हो, एक दिन की बात है, ये बोले वो हमें नहीं पता, जब आईने में देखा तो डर गई, बोले पूरा मेकअप बहरा पसीना। फोटो खिंचवाते समय आप जैसे रहोगे वैसा आपका फोटो हो जाएगा। हाँ, मुस्कुरा गए तो मुस्कुराते हुए आ जाएगा। ऐसे ही जीवन भर भी अगर भगवान का भजन नहीं किया और अगर मरते समय भगवान का नाम मुख पे आ गया तो मृत्यु सुधर जाएगी, अगला जन्म सुधर जाएगा। अच्छा एक बात और है, लोग फोटो खिंचवाते समय तो बड़ा मुस्कुराते और वैसे उनसे बात करो ऐसे ही बैठे रहेंगे मुस्कुराएंगे। फ्लाइट में कभी कभी जाते तो वहां देखते कोई किसी से बात नहीं करता, बिल्कुल बैठे रहते मूर्ति बनकर, पढ़ रहा हो कोई किताब तो अलग बात, लेकिन बात नहीं करते। भाई हंसो, पहले के समय में इतना महाराज सुख सुविधाएं नहीं थी, व्यक्ति गरीब था लेकिन खुश था। पहले व्यक्ति गरीब था लेकिन खुश था, आज अमीरी तो है लेकिन उतनी खुशी नहीं है। अच्छा ये भगवान का अच्छा नियम है, जो अमीर है वो खुश नहीं, वो खुश है लेकिन कम खुश है, लेकिन जो गरीब है वो खुश है। ये नियम भी अच्छा महाराज भगवान ने बना दिया है ना। क्या बोलना पड़ेगा जोर से, आधे देखो बोल रहे, पीछे वाली मैया नहीं बोल रही है, बोलो मैया राधे। पहले गरीबी थी पर खुशी ज्यादा थी, गरीबी थी लेकिन खुशी ज्यादा थी, आज अमीरी है पर खुशी कम है, साधन ज्यादा है पर खुशी कम है। अमीर है वो खुश नहीं, जो खुश है वो अमीर नहीं, जो अमीर है वो खुश नहीं और जो गरीब है वो अमीर नहीं। हमें समझना चाहिए वास्तव में अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। कर्म, कल भी हम कह रहे थे कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी साफ है तो घर में मथुरा। अपने मन को सुधारो है ना, जैसे कोई मूर्तिकार
पत्थर की मूर्ति को तराश करके सुंदर महाराज क्या सुंदर छवि निकाल देता, क्या सुंदर मूर्ति बना देता, उसमें से निर्माण कर देता है ना। मन को संभालोगे, अच्छा उसका मन इतना नियंत्रण रहता है कि जब मूर्तिकार मूर्ति को बना रहा होता है तो महाराज वो बड़ा खो जाता है उसमें। कोई बाण बाण महाराज बना रहा हो कोई, तो महाराज वो बाण को इतनी तरीके से घिसता है, उसका पैना करता है कि बगल में से कोई बैंडबाजी निकल जाए उसे पता नहीं चलता। लेकिन हमारा मन ऐसा है कि एक जगह टिकता ही नहीं। जो बंदर है, बंदर सबसे चंचल व्यक्ति है, लेकिन बंदर को भी जो मदारी है वो बस में कर लेता है और वो उसके मन के मुताबिक नाचता है। लेकिन हमारा मन बस में ही नहीं, हमारा मन जहां चाहे नाच रहा है, दूसरी की ओर आकर्षित हो जाता है। हमारा मन जब तक हमारे बस में नहीं आएगा तब तक महाराज आप अनकंट्रोल है। आप अपने मन को अपने बस में रखो, है ना। मन को बस में रखा जाएगा, इसको कसौटी पे खड़ा उतारो, तब करो, भागने मत दो। मन भागता है इधर उधर, अच्छा मन भागा और इसको खींच के वहीं रख दिया जाए। अब जैसे आपका मन कर रहा है रसगुल्ला मिठाई खाने का, लेकिन आपका परहेज चल रहा है शुगर का, लेकिन मन खाएगा रसगुल्ला। अब मन की यहाँ पिटाई की जरूरत है कि भाई रुक जाओ नहीं खाना, लेकिन अब रसगुल्ला जीत जाता, उसमें मन जीता, रसगुल्ला खाया, लेकिन बाद में फिर शरीर को भोगना पड़ा। तो मन के जीते जीत है, मन आपको चला रहा है, जबकि मन को आप मन को चलाना चाहिए, मन हमें चलाया जा रहा है। सुंदर महाराज कथा आगे आ रही है, एक बार जोर से तो बोल दो, राधे राधे। भरत जी महाराज दूसरे जन्म में हिरण बन गए। जब वो हिरण बन गए तो उनको सब कुछ याद था कि हम हिरण बन गए, हमने सब कुछ अपना परिवार छोड़ा और परिवार छोड़ करके हम आज भजन करने आए और बस हिरण में शिवरंजनी लगाओ, बैंजो लगाओ, स्पीड में लगाओ, हम स्लो हो रहे हैं इस चक्कर में। क्या बोलना पड़ेगा? भरत जी महाराज ने जब ये देखा कि हम हिरण बन गए, अब तो हिरण जब बन गए तो एक दिन वन में आग लगी, वन में आग लगी तो वहां पर महाराज उन्होंने अपने उस शरीर को आग में ही जला करके भस्म किया। इनका तीसरा जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर। जब इनका तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर हुआ तो ब्राह्मण के घर आज जन्म हुआ, कुछ समय बाद महाराज बड़े हुए। जब बड़े हुए तो इनके पिताजी ने इनसे कहा, गुरु मंत्र याद करके सुनाओ। गुरु मंत्र याद करने को जब कहा तो महाराज अब तो इन्होंने सुनाया नहीं, जबकि इनको सारे मंत्र आते, सारे वेद पुराण इनको याद हैं, लेकिन इन्होंने जानबूझ के गुरु मंत्र नहीं सुनाया पिताजी को, क्योंकि गुरु मंत्र सुनाएंगे तो वो कहेंगे कि लो जाओ सत्यनारायण की कथा बांच आओ और वहीं रहेंगे, भगवान का भजन छूट जाएगा। अब खेत पे धान बुवी थी तो इनसे कह दिया जाओ धान की रक्षा करो कम से कम। अब जड़ भरत जी पहुंच गए, धान की रक्षा तो की नहीं, ऊपर से जी और कहने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत खालो चिड़िया भर भर। चिड़िया आई और सारी धान खा गई महाराज। जब सारी धान चिड़िया खा के चली गई, अब तो महाराज घर वालों को पता लगा तो इनको रात में भोजन भी नहीं दिया, बोले बताओ रक्षा करने भेजा था धान की और सब चिड़ियों को खिला दी, भूखे पड़े हुए थे वहीं पे। कोल भीलों का सरदार जो वन में रहा करता था, उसने एक संकल्प किया था
कि अगर मेरी ये कामना पूरी हो जाएगी तो माँ भद्रकाली को नरबलि देंगे। उसकी कोई कामना पूरी हो गई होगी तो उसने अपने दूतों से कहा कि जाओ और कोई नर अगर मिल जाए तो ले आओ, बलि देना है। अब तो महाराज जैसी कहा कि नरबलि देना है तो जंगल में रात्रि के समय और तो कोई मिला नहीं, यही भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज पड़े मिल गए। इनको ही कोल भील उठा कर ले गए और वहां सरदार को बताया, बोले हाँ बहुत हट्टा कट्टा है, इसकी बलि देंगे। इनको पहले तो खूब भोजन कराया, अब ये भूखे तो थे ही, इनने खूब भोजन किया। ये नहीं पूछे क्यों करा रहे हो, किस खुशी में करा रहे हो। इनने खूब भोजन किया, उसके बाद एक काला कलूटा वो आ गया तलवार लेकर के, बोले सिर झुकाओ महाराज। बोले क्यों? बोले अब ये मत पूछो क्यों, सिर्फ भूख भोजन रसगुल्ला चमचम खाई, अब चुपचाप ये भी स्वीकार करो। जड़ भरत जी बोले ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। और जैसे ही भद्रकाली के सामने अपने सिर को झुकाने लगे, भद्रकाली ने सोचा बताओ कितने ज्ञानी पुरुष को ये कोल भील मार डालेंगे, अपराध भी लगेगा। आज भद्रकाली प्रकट हो गई, बोलो भद्रकाली मैया की हो। और उन राजा उन कोल भीलों का जो सरदार था उसके हाथ से खड़ग ले लिया और सारे कोल भीलों को मार गिराया और जलभरत जी वहां से माँ भद्रकाली को प्रणाम करके निकल आए। जब वहां से चल पड़े तो सुबह का समय हुआ, एक रहुगण नाम का राजा वहां से निकल कर जा रहा था। रहुगण नाम का राजा वहां से जब निकल के जा रहा था तो उस राजा ने आज जब पालकी में बैठ के जा रहा था, पालकी में चार कहार लगते हैं, एक कहार बीमार हो गया। राजा ने कहा कोई देख लो, अपने ही हैं सब लोग, अपना ही क्षेत्र है। जड़ भरत जी चलते जा रहे थे, इनके कंधे पर पालकी को रख दिया, बोले आ जाओ लग जाओ। बोले ठीक है, लेकिन जब ये चलते थे तो चीटी चीटा देखकर छलांग लगा देते थे। चीटी जाती हुई दिखी, इनने छलांग लगाई, राजा महाराज उसमें रहुगण बैठे हुए थे उनकी महाराज बल्ली में सिर लग गया जाकर। अब महाराज बड़े क्रोधित हुए, आज भरत जी जड़ भरत जी से कहा सुनो अच्छे से पालकी चलाना नहीं आता तुम्हें, अगर अच्छे से पालकी नहीं चला सकते तो अगर दंड देंगे हम। आज जड़ भरत जी बड़े ज्ञानी थे, बड़े संत स्वभाव था, कभी इन्होंने लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं दिया, कथाएं नहीं की, क्यों? बस केवल भजन करना लक्ष्य था। लेकिन आज रहुगण ने जब इनका अपमान किया तो इन्होंने सोचा संत का अपमान ये अनजाने में कर देगा तो इसको अपराध लग जाएगा, और कहीं इसको अपराध ना लग जाए इसलिए इसको उपदेश देना आज जरूरी है। आज राजा रहुगण को भगवान ये जड़ भरत जी महाराज उपदेश देते हैं। देखो क्या कहा आज जड़ भरत जी ने रहुगण से कहा, तुम कहते हो दंड देंगे तो दंड तुम किसको दोगे? हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है। अच्छा बताओ आप शरीर हो कि आत्मा, आत्मा हो कि शरीर, बताओ हमारे और आपके कितने शरीर हैं? कितने शरीर हैं अमर सिंह जी? एक ही है। हमारे और आपके तीन शरीर हैं। कितने शरीर हैं बता रहे? पहला शरीर ये है जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, स्थूल। जो सूक्ष्म शरीर है वो है आत्मा। और एक और है जिसको कहते हैं स्वप्न शरीर। जब आप रात में सो जाएं तो सपने में महाराज कभी उज्जैन घूम रहे हैं, कभी अपने गांव चले गए घूमने, कभी मेला में झूला पे झूल रहे हैं। उस समय पूरा हाथ पैर मुंह नाक कान है कि नहीं? क्या अकेला हाथ ही झूला झूल रहा था? क्या अकेला सिर झूल रहा था? पूरा शरीर रहता। ये तीसरा शरीर है स्वप्न शरीर। अच्छा देखिएगा, ये जो पहला शरीर है स्थूल शरीर, ये चिता पर लेटता है। स्थूल शरीर आग में जल करके नष्ट हो जाता है और इस शरीर के साथ ही स्वप्न शरीर भी नष्ट हो जाता है। लेकिन अब रह गया सूक्ष्म शरीर जो आत्मा है, वो जाती है भगवान के पास। बैतरणी नदी को पार करते हुए
जब यहाँ से यम के दूत जीव को पकड़ कर ले जाते तो बैतरणी पड़ती है। बैतरणी नाम की नदी है जिसमें पीव रक्त हड्डी मांस ऐसे अनेक अनेक गंध वाले पदार्थ हैं। उस बैतरणी नदी को जीव को पार करना पड़ता है। जिसने गौदान किया हो, जो महाराज खूब आनंद से दान पुण्य सत्कर्म करके रहा हो, उसे गौ माता आती है अपनी पूछ पकड़ के बैतरणी पार करवाती है। आपने कभी गरुड़ पुराण सुना हो, उसमें नरकों का वर्णन बड़े विस्तार से है। बैतरणी नदी तो किसी भी हाल में पार करनी ही पड़ती है। बड़ा कष्ट होता है, 100 योजन लंबी है, 100 योजन लंबी ये जो नदी है, इसमें महाराज बड़ी गंध आती, दुर्गंध आती, मल मूत्र पीव हड्डी मांस रक्त है, इसमें से जाना पड़ता। और अनेक नरक हैं, रौरव महा रौरव कुंभी पात, ये सब तामिश्र अंध तामिश्र, जो जैसा कर्म करता है उसे उस हिसाब से महाराज नरक। अच्छा, नरक का मतलब आपको समझाएं, नरक है धोबी घाट। नरक क्या है? धोबी घाट। अच्छा, धोबी घाट कौन सा कपड़ा जाता है? कौन सा कपड़ा जाता है धोबी घाट भाई? अगर आपका कपड़ा रोज वॉशिंग मशीन में घर पर ही साफ हो रहा है तो वो इतना गंदा हो नहीं सकता कि वो धोबी घाट पे जाना पड़े उसे, क्योंकि रोज ही कपड़े धुल रहे हैं घर पे। लेकिन जो ज्यादा गंदा हो जाए तो फिर वो कहाँ जाएगा? धोबी घाट। और धोबी घाट पे जो मरम्मत होती कपड़े की, कहीं बटन टूट रहा वो धोबी है से पछाड़ पछाड़ के मारता साहब बड़ी बुरी तरीके से। तो ये जो साबुन है, ये सत्संग की साबुन लगा लगा कर अपने छोटे छोटे पाप आत्मा से मिटा लो, नहीं तो नरक के धोबी घाट पर जाकर ये आत्मा जल जाती है। हाँ, भगवान जब यहाँ से सूक्ष्म शरीर जब जाता, भगवान वहां एक कुर्सी लगाते हैं पास में, कहते हैं आओ वेलकम माय डियर, प्लीज सिट डाउन, और बस अपने पास में कुर्सी लगाकर बैठालते हैं। अच्छा, हर व्यक्ति के अंदर एक चिप डली रहती, जैसी मेमोरी कार्ड मोबाइल में डलती ना, ऐसी मेमोरी कार्ड व्यक्ति के अंदर भी डलती। भगवान क्या कोई कम इंजीनियर है भाई? आज साइंस ने तरक्की की, आज विज्ञान अच्छा सब चल रहा, लेकिन हमारे सनातन धर्म से ही सब वेद से पुराणों से सब विज्ञान निकल रहा, लेकिन भगवान ने जो पहले कर दिया आज तक उनको उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान का साइंस पहले से ही रेडी था। आज कोई कार आती है ना, हमसे एक हमारे यजमान जी कह रहे थे भोपाल में अभी हम इससे पहले जब थे कि महाराज जी कार लेने जाना है, तो उनने जो हमें डेट दी थी उस डेट में वो गए नहीं। हमने उनसे पूछा क्यों नहीं गए, बोले गुरुजी अभी एक महीने बाद इसका लेटेस्ट मॉडल आने वाला उसको लेंगे। हमने कहा वाह, उसमें क्या होगा? बोले उसमें कुछ अलग और फंक्शन आएंगे। अच्छा, आएगा उसमें? हमने कहा अच्छा अच्छा, ये गाड़ियां हर साल नया मॉडल आ रहा, मोबाइल आई फोन का 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, हर साल बदलाव हो रहा, लेकिन भगवान ने ये मनुष्य का मॉडल बड़ा गजब बनाया, एक बार बनाया, एक जगह नाक, एक जगह कान, एक जगह मुंह लगा महाराज, एक बार जब भगवान ने बनाया तो आज तक बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। बताओ भगवान ने सोचा कि अपडेट कर दो, अब कान की जो ढक्कन हटाओ, केवल अब कान ही कान रहने दो, या सोचा नाक को थोड़ा करो? भगवान का जो एक मॉडल चल रहा था वही चल रहा। तो भगवान बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हर व्यक्ति के अंदर एक मेमोरी कार्ड लगा रखा है, और वो मेमोरी कार्ड भगवान वहां निकालते हैं और आपको कुर्सी पर बैठाते हैं, बोले कॉफी पियोगे या चाय या ठंडा, जो भी लोगे आप वो आपको प्राप्त कराया जाएगा, और उसके बाद आपकी चिप निकाल के बली बड़ी LED लगी, कंपनी का तो पता नहीं लेकिन लगी बड़ी है। और महाराज उसमें जब कार्ड लगाया जाता है उसमें आपका पूरा जीवन में जो आपने किया वो दिखाया जाता है। देखो वाह, ये कहाँ गए थे आप? वो भगवान पूछते हैं फिर बताते जाओ। उसमें पूरी मूवी दिखती है महाराज आपकी लाइफ की,
फिर भगवान कहते यही करने गए थे, बताओ भजन किया, पुण्य का कोई बैंक बैलेंस है तुम्हारे पास? उस समय चाय का कप तो कांपने लगता है कि अब पिए कि ना पिए, हाथ पैर कांपने लगते हैं। भगवान कहते हैं ये मत बताओ, ये बताओ क्या करना चाहते हो, क्या किया जाए तुम्हारे साथ, मार दिया जाए या? वो जीव कहता है कुर्सी से नीचे उतर जाता, भगवान के चरणों में गिर जाता, प्रभु एक बार और मौका दो मुझे, मैं इस बार धरती पे जाऊंगा और इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बोले ये तुम कई बार कह चुके हो, इसी कुर्सी पे बैठ के इसी टीवी में कई बार ये फिल्म दिखा दी और तुम आकर के हर बार यही कहते हो, अब नहीं। बोले नहीं नहीं एक बार और। बोले अच्छा ठीक है, इस बार फिर गर्भ में गया। और जब गर्भ में आया जीव, तो गर्भ में जब जीव आया तो गर्भ में भगवान से जीव की सीधी कांटेक्ट बात चलती है। भगवान से कहता प्रभु बस मैं बस अब संसार में जाऊंगा, अगर मैं माया में पढ़कर भूल भी जाऊं तो आप मुझे थोड़ा याद करा देना। भगवान बोले ठीक है याद करा देंगे। अब उसका जन्म हुआ, अब तो महाराज चाचा ने उठा लिया, लाला भतीजे बुआ ने उठा लिया, मामी आ गई, दादी आ गई, अब उसके रिश्ते बंधे, अब उसके संबंध बने। थोड़ा और बड़ा हुआ महाराज, विवाह वगैरह हो गया, अब तो बच्चे हो गए, व्यापार चलने लगा, अब कहीं रोड पे से निकल के जा रहा, अब उस भगवान ने सोचा इसको याद कराओ, ये तो भूल गया। भगवान ने कहा भैया कथा हो रही चलोगे? बस टाइम नहीं अभी, तो अब भूल गया सर। और बस पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कई बार जन्म हो रहा कई बार हम मर रहे हैं। इसलिए भगवान का भजन का जो धन है वो बैंक बैलेंस भी अपना बढ़ाते चलो, क्योंकि हर जगह अलग करेंसी चलती है। आप अमेरिका जाओगे ना ये भारत का नोट नहीं चलता, वहां नेपाल जाओगे ये नोट नहीं चलता, फिर तो आपको और हमको दूसरे लोक में जाना है, वहां ये नोट नहीं चलता, वहां राम नाम का नोट चलता है। और जिसके पास होगा वो आनंदमय है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भजन करो भरे जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरे जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, तरस फिर कर नहीं पाओगे, तरस फिर कर नहीं पाओगे, तरस करो तरस करो भरे जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, तरस करो भरे जवानी में, बुढ़ापा श्री राम।
बुढ़ापे में चल नहीं पाओगे, 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 तीर्थ फिर कर 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 नहीं पाओगे, तीर्थ करो तीर्थ करो, तीर्थ करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तीर्थ करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। यहाँ कर दो, इनको लगता है आवाज खुली है, इधर इसको हटा दो, इसको हटाओ, इनको लगता है आवाज खुली है, इधर आवाज आती नहीं, इसको हटाओ हटाओ, इधर कर दो, घुमा दो इसको, इनको लगता है खुली है आवाज, क्योंकि इनको तो आ रही है। श्री राधे भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। ओ ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, 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 तेरे भरी जवानी तू डूब के मर जा रे, चुल्लो भर पानी तू डूब के मर जा रे, चुल्लो भर पानी तू डूब के मर जा रे, चुल्लो भर पानी। कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमाए माइक ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में हाथ उठा लो थोड़े से वजनदारी, नहीं तो तहिया गद्दा लेके आओ साथ में। हो तू डूब के, तू डूब के, तू डूब के मर जा रे, तू मर पाजे आदेश।
डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। भागवत महापुराण की जय हो। भगवान का नाम बैठ जा महाराज। राजा रहुगण, राजा जो रहुगण है उसको जड़ भरत जी ने उपदेश दिया और कहा कि आत्मा को कोई दंड नहीं दे सकता। और तुम कहते हो कि दंड दोगे, दंड तो आत्मा को जाएगा नहीं। अच्छा रहुगण भी संतों के साथ बैठा करता था। राजा रहुगण ने कहा महाराज जैसे चूल्हे के ऊपर तवेली में भगोनी में जल डाल करके चावल रख दिए जाएं और चूल्हे में आग लगा दी जाए, प्रकट कर दी जाए, तो सबसे पहले महाराज वो पात्र भगोनी गरम होगा, उसके बाद जल गरम होगा और उसके बाद जो उसमें चावल है वो भी गरम हो जाएगा। वैसे ही हम आपके शरीर को दंड देंगे और आपकी आत्मा को दंड। शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा भी दुखी, ऐसे करके आपकी आत्मा को भी दंड देंगे। अब तो राजा रहुगण से जड़ भरत जी ने कहा तुम बातें तो ज्ञानियों जैसी करते लेकिन हो मूर्ख। वो चावल भी दिख रहा, वो पानी भी दिख रहा, वो भगोनी भी दिख रही, वो आग भी दिख रही, लेकिन महाराज यहाँ शरीर तो दिख रहा, वो आत्मा कहाँ दिख रही? आत्मा दिख नहीं रही, ना दिख सकती। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कांच में रखा व्यक्ति को, जब उसके प्राण निकलने वाले होते उन्होंने सोचा ये कैसे प्राण पखेरु उड़ जाते, कैसे ये प्राण पखेरु उड़ते, कैसे ये आत्मा निकलती है शरीर से। कई कैमरे लगाए गए, कांच में बंद कर दिया, लेकिन जब महाराज ये प्राण निकले, आत्मा निकली, तो कांच टूट गया, टूटता हुआ नजर आया, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। आत्मा कैसी होती? महाराज जब ये आत्मा कभी ऐसी आ जाइए ऊपर, आ जाइए खड़े ऊपर आ जाओ। आप भी अमर सिंह जी तिलक करके पंडित जी को माला अर्पण कर दीजिए, आ जाइए। ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है, हर एक प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परमात्मा है। आपको पता जितने भी हम व्यक्ति यहां बैठे सबके भीतर भगवान है, परमात्मा एक समान, ना कोई के अंदर कम है ना ज्यादा है। लेकिन हमने देखा, हमने परमात्मा को बाहर ढूंढने ढूंढते 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 पूरे प्रयास कर लिए। भगवान को हमने बाहर ढूंढते ढूंढते सब हद तोड़ दी। मंदिर गए, देवालय गए, तीर्थों में गए, सब जगह गए, हमने सब जगह भगवान को ढूंढा। वास्तव में हमारी हालत कैसी है? जैसे आपने हिरण को देखा, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और उस कस्तूरी में सुगंध आती है, वो सुगंध चारों ओर फैलाती है अपनी खुशबू, क्योंकि कस्तूरी में बड़ी सुगंध होती है। हाँ, जब कस्तूरी हिरण की नाभि से सुगंध वायु में फैलाती है ना, तो उस समय हिरण को लगता है ये सुंदर सुगंध कहां से आ रही है, और उस सुगंध को पाने के लिए वो जिस हवा जिस तरफ से आती उसको लगता है यहीं से वो सुगंध आ रही है, तो ये वहीं की ओर भागता। जबकि कस्तूरी नाभि से ही है, नाभि में है और नाभि से ही सुगंध आ रही, लेकिन अब जब सुगंध के पीछे वो दौड़ता लेकिन उसे मिलता कुछ नहीं। जैसे हिरण सुगंध के पीछे दौड़ रहा, वैसे ही हम और आप परमात्मा के पीछे दौड़
पीछे दौड़े जा रहे, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। लेकिन भगवान हमारे भीतर ही है, जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी। हमें अपने भीतर भीतर हमारे भगवान को ढूंढना चाहिए। जब जीवन में कभी भी भगवान का नाम ना लिया हो जिसने, उसका भी देखो उद्धार होता है। कैसे होता है? सुंदर अजामिल का कथा प्रसंग आपको सुनाते, बड़ी सुंदर कथा है। यहाँ जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश दिया, वो भगवत धाम को गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज क्या कभी भगवान का नाम मरते समय लेने से मुक्ति हो जाती है? बोले हाँ बिल्कुल। वहां पर अजामिल की कथा श्रवण कराई है। एक सुंदर ब्राह्मण थे, वह पंडित जी बड़े ज्ञानी थे, उनके ये पुत्र रहे। एक दिन ये महाराज लकड़ी लेने के लिए वन में गए और वहां वैश्या मिल गई और वैश्या के संग से अब इनकी संगत बिगड़ गई। हम कहते हैं अपनी संगत को हमेशा सुधार कर रखो। आप जैसे लोगों में बैठोगे वैसे ही आपके लक्षण हो जाएंगे, वैसे ही आपके अंदर गुण आना आरंभ हो जाएंगे। आप अपनी संगत बढ़िया रखें। जो अजामिल था उसकी संगत बिगड़ी। देखो वन में गया, वैश्या का संग मिला, वैश्या से विवाह कर लिया और अलग जगह जाकर एक गांव बसाकर रहने लगा। ब्राह्मण थे लेकिन वैश्या के संग से बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अपना कर्म करना भूल गए और अब उस वैश्या के संग से रहे। पुत्र भी उत्पन्न हुए, धन की आवश्यकता पड़ी, चोरी चकारी करना चालू कर दिया, डाकू बन गया। अब तो जहां महाराज अजामिल पहुंच जाए वहां की दुकानें बंद हो जाए, डाकू अजामिल नाम से चलने लगा उसका नाम। और अब तो इतना बड़ा डाकू महाराज, एक दिन अजामिल गया हुआ था कहीं डाका डालने, घर पे वो वैश्या जो घर पे आ गया उससे विवाह करके वो घर पे रह रही थी। एक दिन उनके गांव में संतों की मंडली आई। संतों की मंडली जब ग्राम में आई उस समय, अब गांव में जब संत आते ना तो संतों को एक आशा रहती जिस गांव में पहुंचते कि यहाँ कोई भक्त परिवार रहता होगा, क्योंकि जो भक्त परिवार है वो सेवा करना जानता होगा, वो संतों की महिमा को जानता होगा, है ना। जो संतों की महिमा को नहीं जानेगा उसके यहाँ संत जाना भी पसंद नहीं करते। संत की महिमा को जो ना जाने, जो भक्तों की महिमा को ना जाने, उसके यहाँ जाने से भी क्या फायदा। तो संत जब गांव में पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि भैया यहाँ कोई भक्त का घर है क्या, आज रात्रि हम विश्राम करना चाहते, क्योंकि अब हम रात्रि के समय में संत कहाँ जाएंगे। अब चौराहे पर कुछ चंचल बालक बैठे हुए थे, उनने सोचा जी साधु महात्मा अपनी पूजा करवाने के चक्कर में है, स्वागत इनको ऐसी जगह पहुंचाएंगे कि इनका अच्छा ही स्वागत होगा। इनको पहुंचा दिया अजामिल के यहाँ। बच्चों ने कह दिया चले जाओ यहाँ से, अजामिल नाम का भक्त रहता है। अब इनको थोड़ी पता था कि अजामिल तो डाकू है। अब जैसे ही अजामिल के द्वार पर जाकर के बाहर खटखटाया, आओ भक्त भैया सीताराम रामदास के बाहर खोलो। अब जैसे ही कुंदी खटखटाई के बाहर खुले तो वो तो बढ़िया रहा कि अजामिल घर पे नहीं था। अब वो गणी का जो उनकी पत्नी घर पर थी, महाराज आइए, आज उसने अपने द्वार पर संत को खड़ा हुआ देखा तो उस वैश्या जो थी उसके नेत्रों में आंसू आ गए। आज उसने हाथ जोड़ करके वहीं बैठ गई, अब वो नेत्रों से आंसू आने लगे। आज संत महात्माओं ने सोचा ये रोने लगी, अरे पुत्री तुम क्यों रोती हो, हमने ऐसा कुछ कह दिया? महाराज हम इसलिए नहीं रो रहे कि आप हमारे यहाँ आए, अरे हम तो इसलिए रो रहे कि आप हमारे यहाँ आए और हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे। अब मैं वैश्या हूँ और मैं तो आपको अपने हाथ का जल भी नहीं दे सकता,
और मैं आपकी सेवा में बड़ी असमर्थ में इस दुर्भाग्य पे बड़ी दुखी हो रही हूँ। संत महात्मा बोले, कोई बात नहीं पुत्री, हम तो यहाँ से निकल रहे थे, पूछा कोई भक्त का घर तो बच्चों ने यहाँ का मार्ग बताया तो आ गए, कोई बात नहीं अब आराम से रहो और कहीं चले जाए। जब वो जाने लगे संत महात्मा तो उन्होंने कहा, रुको रुको महाराज, अब मैं सेवा तो नहीं कर सकती ज्यादा, लेकिन हाँ कुछ भोजन सामग्री जरूर दे दूं, आटा चावल दाल, इसको आप अपने हाथ से बना के खाओ, क्या दिक्कत। संत महात्मा बोले, उनके भाव प्रेम देखकर बोले ठीक है। आज उसने भोजन की कुल सामग्री दे दी और संत महात्मा उनकी आगे जो चौक पड़ा हुआ था आंगन, वहीं पे वो भोजन बनाने लगे। बढ़िया पेड़ लगा हुआ था पेड़ की छाया में। इतने में डाकू अजामिल आ गया। वो डाकू अजामिल जब आया तो अजामिल ने देखा कि उनके घर के महाराज सामने पेड़ के नीचे आज संत महात्माओं की मंडली भोजन बना रही। ए महात्माओं, यहाँ क्या कर रहे हो? जो कोई तुमने धर्मशाला समझ ली, चलो यहाँ से। अब जब चिल्लाने की आवाज जब अंदर इनकी धर्म पत्नी जी ने सुनी, सुनते ही वो बाहर आई। क्या हो गया? हमने कहा है बनाने दो, महाराजों को भोजन बनाएंगे, खाएंगे, जाएंगे। अच्छा तुमने कहा तो कोई बात नहीं। अब डाकू भली बड़ा हो लेकिन पत्नी के आगे वो बिना डाकू हो जाता है। पत्नी के आगे डाकू साहब नहीं चल पाते। आज महाराज अजामिल बोला, ठीक है जब तुम कह रही हो तो इनको भोजन बनाने दो, जल्दी चले जाना लेकिन यहाँ से। अब महाराज वो संत महात्माओं ने भोजन बनाया, भोजन पाया, और भोजन पाने के बाद आज जैसे ही भोजन पाया अब तो कहने लगे संत महात्मा अजामिल से, सुनो भैया, संत महात्माओं को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल बोले, सुनो महाराज, ये जो तुम्हारा थैला चिमटा झोली माला ये हम छोड़ रहे हैं, यही हमारी दक्षिणा है, और अगर ज्यादा करोगे तो ये हम सब छीनो लेंगे, अभी हमारे बारे में तुम जानते नहीं हो। अजामिल से संत महात्मा बोले, भैया हमें पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें तो केवल केवल आप हमारी एक बात मान जाओ, वही हमारी दक्षिणा है। ठीक है अगर होगी मानने लाख तो वो मान जाएंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। बोले नहीं, आपकी बालक संतान है? बोले हाँ। बोले अब की जो संतान हो उसका नाम आप नारायण रख लेना। बोले नारायण? उनकी धर्म पत्नी बोली, जी जी महाराज जी, बिल्कुल नाम नारायण रखेंगे। और आज संत महात्मा वहां से चल पड़े। उन संत के एक शिष्य ने पूछा, महाराज ये भजन तो करेगा नहीं, इसका हमने अन्न और खा लिया, अपराध हो जाएगा महाराज। वो संत महाराज बोले, इसीलिए तो इसके पुत्र का नाम नारायण रखवाया, हम जानते थे ये भजन करेगा नहीं, इसको गुरु मंत्र दे दो फिर भी नहीं करेगा ये भजन, क्योंकि इसकी बुद्धि संग के कारण बिगड़ गई है, लेकिन इसके पुत्र का नाम हमने नारायण रखवा दिया और इसका हमने नमक खाया, इसके घर का हमने अन्न खाया, और अगर ये अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेगा तो ये अपने पुत्र को नारायण नारायण जितनी बार बुलाएगा उतनी बार इसका भजन ही हो जाएगा। ये नारायण अपने पुत्र को बुलाएगा। संत वहां से चले गए। जब संत वहां से गए, आहा, इसके यहां कालांतर में पुत्र हुआ। जब इसके यहां संतान हुई, पुत्र हुआ, तो इसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लिया। अच्छा नारायण जब नाम रखा ना, आज नारायण जब नाम रखा, अब ये डाकू जहां से भी आता अपने छोटे पुत्र नारायण को बुलाता, बेटा नारायण पानी लेके आना, बेटा नारायण इधर आना, बेटा नारायण। अब तो बार बार नारायण को बुलाए, छोटे पुत्र पे बड़ा प्रेम। आज जब अब देखो पाप का घड़ा तो भरता ही है साहब, पाप का घड़ा इसका भर गया, यमराज के दूत इसको लेने आए। यमराज के दूत जब इसको एक दिन लेने आए तो इसको पकड़ लिया। पता जब यमराज के दूत लेने आते ना तो डर लगता है उनको देखकर, और वो दिखते केवल उसी को हैं, किसको, जिसको लेने आए। वो देखता है यमराज के दूत बड़े भयभीत होते हैं और डरावने, इनको देख करके जब वो भयभीत होता है यमराज के दूतों को तड़पता है, व्यक्ति के प्राण
कैसे निकले ये पता लगाया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति प्राण निकालते समय मलमूत्र त्याग दे तो उसके गुप्त द्वारों से प्राण निकले। अगर मोह खुला रह जाए तो उसका मोह से ही प्राण निकला। क्योंकि यमराज के दूतों को देखकर व्यक्ति भयभीत हो जाता है, तड़पता है, चिल्लाता है। अच्छा, उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती और वो अंदर ही अंदर तड़पता है। आज जब अजामिल को यमराज के दूत लेने आए तो यमराज के दूतों ने जैसे ही इनको पकड़ा चिल्लाया, और ये चिल्लाया किसको? अपने छोटे बेटे से ज्यादा प्रेम करता था तो चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। अब तो बेटा नारायण नारायण जब चिल्लाने लगा तो भगवान नारायण के पार्षद आज तैयार हो गए। क्योंकि नियम है कि अंत समय जो भगवान का नाम अपने मुख पर लाएगा उसे भगवान के पार्षद लेने आते हैं। भगवान के पार्षदों ने जब सुना कि नारायण नारायण का मरते समय व्यक्ति उच्चारण कर रहा है, तुरंत भगवान के पार्षद चल पड़े और आए। उन्होंने देखा कि जो नारायण का नाम उच्चारण कर रहा है ऐसे जीव को यमराज के दूतों ने पकड़ रखा है। आज यमराज के दूतों में आकर जोर से धक्का मारा, चलो तुम्हें दिख नहीं रहा ये नारायण भगवान का नाम ले रहा है और तुमने आज इसको हाथ भी लगाने की कैसे हिम्मत की? आज जैसे ही महाराज, अब अजामिल दोनों को देख रहा है, दोनों पार्टी को, यमराज के दूत वाले पार्टी भी दिख रही है, इधर नारायण के पार्षद है वो पार्टी भी दिख रही है। अब ये देख रहा है वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। यमराज के दूत बोले, सुनो ये तुम्हारे भगवान नारायण को नहीं बुला रहे, ये इसके बेटा नारायण को बुला रहे हैं। भगवान के पार्षद बोले, तो ठीक है ना, इसके बेटा तो अभी 10-15-20 साल पहले आया होगा, हमारे नारायण तो युगो युगों से अनादि कालों से हैं, तो उनका ही नाम नारायण माना जाएगा, तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं पिटाई हो जाएगी। धक्के मार दिए यमराज के दूतों में। अजामिल देख रहा था, बोले बताओ हमने तो वास्तव में हमारे बेटे को ही बुलाया। आज नारायण भगवान के पार्षद भी अंतर ध्यान हो गए और यहाँ यमराज के दूत तो और भाग गए पिटाई के मारे डर से। अजामिल देख रहा था कि सब भाग गए, मैंने तो अपने बेटे नारायण का नाम लिया था और अनजाने में नारायण का नाम लिया था, तो भगवत धाम से पार्षद आ गए, अगर वास्तव में हृदय से मन से भगवान का नाम लूंगा तो मेरे क्या आनंद आएगा। उसी दिन से वो भक्त हो गया, उसी दिन से अजामिल डाकू अजामिल से भक्त अजामिल कहानी लगा। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। कौन कौन का है नाता श्याम से? जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। राधे हरि बोल। देखिए हम और आप सबको कहना है कि हे मेरे श्याम, मेरा आपसे नाता है। और नाता है कि नहीं? नाता ना हो तो बनाओ, क्योंकि दुनिया में बहुत रिश्ते नाते बनाए, एक नाता भगवान से बनाओ। हो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ओ जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन
जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है ओ, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है ओ, जब जब मुझको पड़ती है दरकार श्याम हमेशा रहता है तैयार, जब जब मुझको पड़ती है दरकार श्याम हमेशा रहता है तैयार, ओ श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार श्याम ही मेरे जीवन का आधार, किया बहुत उपकार श्याम ही मेरे जीवन का आधार, ओ श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार श्याम ही मेरे जीवन का आधार, श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार श्याम ही मेरे जीवन का आधार, हो हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, बाके बिहारी बादल जब जब मंडराते श्याम नाम लेते ही छट जाते, दुख के बादल जब जब मंडराते श्याम नाम लेते ही छट जाते, हो दुख के बादल जब जब मंडराते श्याम नाम लेते ही छट जाते, दुख के बादल जब जब मंडराते जाते, ओ कभी दोबारा नजर नहीं आते संकट, कभी दोबारा नजर नहीं आते बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते बाल विवाह का वो ना कर पाते, हो संकट आने सही में जिसके लायक नहीं मैं वो भी मिल जाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, ओ जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, जीवन की गाड़ी है मैं, जीवन की गाड़ी में श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं,
मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो शाम से नाता है। बांके बिहारी लाल की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा हमारे बीच में? हमारे पूज्य पंडित जी का नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनका बहुत जोरदार तालियों से स्वागत है। हमारे पंडित जी एक बार यदि कोई एक बार सूचना दे दो अगर कोई भागवत जी का यहाँ, उसके बाद फिर आगे चल के बामन भगवान का उत्सव होगा, कथा प्रसंग चलेगा। जय जय श्री राधे, बोली भागवत महापुराण की जय हो। बड़ा ही पावन अवसर है, नवरात्र के पावन अवसर पर आपके पावन नगर में श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा भव्य आयोजन चल रहा है। आज आप और हम सब तृतीय दिवस की कथा वेला में प्रवेश हुए हैं। बहुत सुंदर सी आज की कथा है और आज बहुत कुछ क्षण उपरांत आप सभी को भगवान के बाल स्वरूप की सुंदर सी झांकी का दर्शन भी कराया जाएगा। जो हमारे भक्तगण कथा पांडा में बैठे हुए हैं, जो भी भागवत पूजन करना चाहता है, गुरु पूजन करना चाहता है, वो मंच पर आकर भागवत पूजन कर सकता है। जो भी भक्तगण कथा पांडा में बैठे हुए हैं, श्रोतागण, जो भी यथाशक्ति यथाभक्ति अपने सामर्थ्य द्वारा श्रीमद् भागवत की पूजन करना चाहता हो, वो मंच पर आकर भागवत पूजन कर सकता है। इसके उपरांत कुछ समय उपरांत भगवान के बाल स्वरूप की सुंदर सी झांकी का सभी भक्तगणों को दर्शन हो गए और बहुत ही सुंदर पावन दिन है। और कल बड़ी ही धूमधाम के साथ भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा, इसलिए समस्त भक्तगणों से जो नहीं आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि अपने गृह कार्य से थोड़ा समय निकालकर भगवान के भजन में जरूर लगाएं। सारा जीवन अपना व्यतीत तो काम में ही निकल जाता है, अगर थोड़ा समय हरि नाम के लिए दे दें तो इस जीवन का उद्धार हो जाता है। बोले भागवत महापुराण की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा जोर से? कथा में आगे सुंदर सुंदर कथा आती है गजेंद्र की। गजराज एवं गजेंद्र मुपवरणित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविदलिंग विदाभिमाना नैते यदो पुनर्नखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मर्मयो हरिराविरासी। एक गजराज अपने समूह के साथ, अतनियों के साथ, बच्चों के साथ महाराज रहा करता था। और जब वो वन में रहा करता था तो बड़ा बलशाली हाथी था, बड़ा कई हाथियों का बल भी उसमें था। और जब वो हाथी चलता था तो महाराज सारे जानवर पशु एक तरफ हो जाया करते थे। एक बार अपनी हथनियों के झुंड के साथ वो हाथी, वो गजराज सरोवर में स्नान के लिए चल पड़ा। जब सरोवर में पहुंचे अपनी हथनियों के साथ, बच्चों छोटे हाथी भी उसके साथ, वहां पर पहुंचकर आज गजराज क्रीड़ा करने लगा। कहीं सूंड से हथनी के ऊपर जल डाले, हथनी हाथी के ऊपर जल डाले। जब क्रीड़ा गजराज उस सरोवर में करने लगा तो महाराज वहां पर आज वो जल गंदा हुआ। अच्छा, उस सरोवर में जल में क्या रहता? मगर। जल का जंतु तो ग्राह मगर है। जो मगर रहता है उसको ग्राह कहा जा रहा है यहाँ। तो ग्राह ने हाथी का पैर
मुख में भर लिया। जब मगर ने हाथी उस गजराज का पैर अपने मुख में भर लिया, अब उसको नीचे की ओर खींचा। अब गजराज ने सोचा अभी इनको पता नहीं कि हम कौन हैं, क्योंकि ज्यादा बलवान था। अब ज्यादा हम बलवान पदवान हो जाएं तो थोड़ा लगता तो है ही कि अपन कोई है, है ना। तो ऐसे इनको भी अभिमान हो गया। अभिमान ना किया करो कभी, अगर बल ज्यादा खुद महाराज बल प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, अधिक अभिमान हो जाता। लेकिन ये समय है, ये सब चीजें समय के साथ चली जाती है। बल भी समय के साथ चला जाता, यौवन भी समय के साथ चला जाता, धन भी समय के साथ चला जाता, पद भी समय के साथ चला जाता। तो फिर अभिमान किस चीज का? जो चीज सदा रहना नहीं, उस चीज का हम अभिमान करें। ये अभिमान क्या है? ये मच्छर है। एक होता है मच्छर जो हमें ऊपर से खाता है, हम मोर्टिन लगा दो मच्छर मारने की, और भी जो लगा दो अगरबत्ती, मच्छर मर जाएगा। या अगर मच्छर गाल पे बैठे तो चाटा मारो तो फिर भी मच्छर मर जाएगा। लेकिन ये मच्छर जो होता है ये अंदर बैठा रहता है, ये अभिमान रूपी मच्छर अंदर से काटता है। इसको मारना इतना आसान नहीं है। जैसे लकड़ी में घुन लग जाती वो खोखला कर देता है घुन लकड़ी को, वैसे ये व्यक्ति को खोखला कर देता वो अभिमान है। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान। राम जन्म को दिन बढ़ो, कृष्ण जन्म की लात। समय है साहब, समय बदल जाता, अच्छे अच्छे करोड़पति भी निर्धन हो जाते, आपने भी देखे होंगे। समय है, ये समय है। धर्मराज युधिष्ठिर जिन्होंने जीवन में केवल एक झूठ बोला था, उनको भी क्षण भर के लिए नरक में जाना पड़ा था। ये वही समय है जिसने पांडवों को, जब अज्ञातवास हुआ था उस समय 12 वर्ष का महाराज अज्ञातवास हुआ, उसमें से एक वर्ष जब इनको 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष जब अज्ञातवास काट रहे थे पांडव, उस समय समय ऐसा आया कि जो राजा थे युधिष्ठिर उनको भी एक राजा के यहां साधारण छोटा सा मंत्री बन के रहना पड़ा था। साधारण मंत्री बन के रहना पड़ा। जो द्रौपदी महारानी है वो एक साधारण रानी की और तुच्छ सी दासी बनकर रही। जो अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत है उसको महाराज क्या बनना पड़ा था? उसको वो नपुंसक बन के रहना पड़ा था, वो नृत्य सिखाते थे। ये समय महाराज ब्रहन लला बनकर के समय काटना पड़ा था। जो नकुल सहदेव थे वे भी घोड़े जहां वादे बंधाव करते थे अस्तबल में, वो वहां पर सेवा करते थे, द्वारपाल बन गए थे। ये समय जो भीम, कितना बल नहीं था भीम के अंदर, लेकिन जब समय बुरा आया, समय ने उनको एक वर्ष तक रसोईया का काम किया है, एक वर्ष तक भोजन बनाया। ये समय बड़ा, समय बड़ा महाराज बलवान है। ये वही समय है महाराज जिसने गर्भवती सीता जी को भी वन भेज दिया। ये वही समय है जिसने युधिष्ठिर जी पांडवों को वनवास भेज दिया। इसलिए समय की कद्र करो। जब एक बार समय को यदि कोई ठुकरा देता है तो समय उसको बार बार ठुकराता है। कोई एक बार समय को ठुकराता, समय उसको बार बार ठुकराता है। अब कोई एक भैया हैं जिनका विवाह के पहले खूब रिश्ते आते, उन्होंने कहा कि पहले तो खूब रिश्ते आते थे इनके, अब रिश्ते नहीं आ रहे, अब शादी नहीं हो रही, उम्र 35 साल की हो गई। हमने कहा पहले रिश्ते आते थे कि नहीं? बोले पहले तो लेन लगी थी, हमने जब ही लेन का फायदा उठाते, अब एक एक दिन उड़ रहे।
तो समय रहते अगर समय का सदुपयोग कर लिया जाए तो ठीक, लेकिन अगर समय निकल गया, समय को तुम एक बार ठुकराओगे, समय तुम्हें बार बार ठुकराता है। समय की कद्र करो। गजराज को बल पर अभिमान हो गया कि हम हैं तो कोई है ही नहीं। आज मगर रूपी ग्राह ने पैर को खींचा और नीचे जब खींचा, अब हाथी जो गजराज है उसको लगा कि अभी इसको पता नहीं हम गजराज हैं, गजेंद्र हैं। आज जब ये अंदर की ओर जाने लगा तो इसने अपनी वो हथनी है, हथनी अपनी पत्नी से कहा, आज ही सुनती हो, अब हम इसमें अंदर जा रहे हैं, जल में हमारा बस चल नहीं रहा, कोई हमें खींच रहा है, तो हमें बचाओ तुम। अब हथनी ने भी सूंड दी और सूंड से सूंड लगा के खींचे, अब सूंड से इतनी खूब ताकत लगाई लेकिन खींचे ही ना हाथी। हथनी ने अपने और बच्चों से कहा जो छोटे छोटे हाथी थे, तुम भी खींचो। खूब दम लगाया महाराज, खूब खींचा गया लेकिन नहीं खींच पाए। अंत में हथनी ने कहा देखो तुम तो डूबोगे और हमें भी ले डूबोगे, इसलिए तुम डूब जाओ, अपन नहीं डूब रहे, अपने बस की बात नहीं डूबना, तुम अगर डूब भी जाओगे तो कम से कम मैं तो पालूंगी इनको, बच्चों को। अब अपने कंट्रोल से बाहर हाथी बोला, अजी तुम ऐसा कहती हो, तुम्हारे होने से तो हम ऐसा चलते थे कि हम हैं तो कोई है ही नहीं, और तुम कह रही हो हम नहीं। बोले ना। अब हाथी को बैराग हो गया। हाथी ने सोचा बताओ कोई किसी का है ही नहीं, हम बड़ा इन पे घमंड करते थे और ये भाग ये अपने रास्ते हो गए। आज तो महाराज हाथी को हो गया वैराग्य। आज हाथी अच्छा वैराग्य विरक्त विरक्त आज जब हुआ तो जब संसार से वैराग्य होता है ना, अच्छा संसार से वैराग्य ऐसे आसानी से होता भी नहीं। जब तक बच्ची ना कहे जाओ अब भजन करो, कब तक माया पकड़े रहोगे, तब तक माता पिताजी सोचते भी नहीं, हर नहीं कुछ माता पिता पकड़ के बैठे सर। माई समय के साथ चलना अच्छी बात है कि नहीं, बच्चे हर जगह गलत नहीं होते, बच्चों को चाहिए संस्कार बांध रहे। अब एक कथा यहाँ प्रसंग आ गई, यहाँ की हम कथा श्रवण कराते, यहाँ गजराज को थोड़ा ध्यान करने दो भगवान का, क्योंकि अभी अभी इसे बड़ा झटका लगा है इस सदमे में। हम बड़ी सुंदर यहाँ एक हमें कथा आई, एक राजा ने अपनी सभा में एक प्रोग्राम रखा, एक नाचने वाली आई थी नृत्यांगना, एक राजा ने, तो जब नृत्यांगना सभा में आई तो उस सभा में अनेक अनेक दूर से श्रोता भी आए, देखने वाले भी आए, कार्यक्रम हो रहा था। आज जब महाराज सभा में उनने गुरुजी को भी बुलाया, उनके गुरुजी को भी बुलाया, और गुरुजी को जब बुलाया तो गुरुजी कौन, जाओ कोई उसमें लपेट दो टेप वगैरह, क्या बोलना पड़ेगा, सांप नहीं है वहां पे, पैसों इतने ऊंचा कराए, कोई टेप नहीं लगा है डोरी पे, बताओ वहां पे वो अशोक जी ने ऐसा हाथ किया, इधर पे जी अशोक जी की संगनी जी भी ऐसे करती है। अब भाई वो वहां है तुम यहां हो, हैं सब में आगे, क्या बोलना पड़ेगा, मान मेरा कहना, अब भजन हो जाए जब तक वो टेप में कपड़ा लपटा था, राधे मेरा कहना, वो
मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। श्री राम पिता तेरा कुटुंब कबीला, पिता तेरा कुटुंब कबीला, माता पिता तेरा कुटुंब कबीला, पिता तेरा कुटुंब कबीला, माता पिता तेरा कुटुंब कबीला, पिता तेरा कुटुंब कबीला। विपदा पड़े पर कोई किसी का, तेरा पड़े कोई किसी का, विपदा पड़े पर कोई ना किसी का, विपदा पड़े पर कोई ना किसी का। एक दिन हंसा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हरी तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ओ बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना मिल जाएगा। ओ मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। श्री राम
कोठी बंगले धन दौलत तेरी कोठी ओ धन दौलत तेरी कोठी बंगले धन दौलत तेरी कोठी बंगले इनसे ममता छोड़ दे पगले इनसे ममता छोड़ दे पगले सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा यही पे रह जाएगा सब कुछ तेरा यही पे रह जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा 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 माटी का खिलौना माटी में मिल खिलौना माटी में क्या बोलना पड़ेगा जोर से महाराज जो गजराज वो आज समझ में आ गया कि हम बताओ अपनी पत्नी अपने बच्चे जी हाथी हथनी हम बच्चों के पीछे अपना सब कुछ छोड़े बैठे और ये तो अपना रास्ता लेके चल पड़ी। आज उस हाथी को महाराज वैराग्य हो गया और उसने सुंदर स्तुति गाई। जब घर वालों से ठोकर लगती तब भगवान की याद आती और भगवान की याद जब आती तब बिल्कुल सच्चे मन से अच्छा हम और आप खूब रोज पूजन कर रहे हैं भगवान की खूब हम भगवान को खूब बेलपत्री चढ़ाते लड्डू चढ़ाते पेड़ा चढ़ाते खूब अगरबत्ती चढ़ा रहे खूब महाराज नए खूब फल पकवान सब कुछ चढ़ा ही रहे हैं सब भगवान को। लेकिन भगवान को हमने सब कुछ चढ़ाया लेकिन हमने जब तक भगवान को अपना एक आंसू निवेदन नहीं किया जब तक भाव से हमारे नेत्रों में आंसू नहीं आए तब तक आप भक्त ही नहीं। भाई किसी माँ का पुत्र अगर कहीं बाहर चला जाता कहीं पढ़ाई करने या कहीं व्यापार करने तो माँ अपने पुत्र को जब याद करती तो क्या हाथ में माला लेने की जरूरत पड़ती है क्या घड़ी में समय देखकर अपने पुत्र को याद करेगी माँ? बोले नहीं बेटे की याद सुबह शाम बस भोजन करते समय उठते बैठते समय बेटा हमारा न जाने कैसा होगा खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। माँ की जो ममता जो हमारे संबंधों में रिश्तेदारों में सबसे हमें प्रेम है पारिवारिक जनों में भगवान को याद करने के लिए हमें जब तक हाथ में माला लेना पड़ेगी आप भक्त नहीं। और जिस दिन आपके हाथ में माला हो ना हो आपके मन में माला चलती रहे भगवान की याद में नेत्र से आंसू आ जाए समझ लेना आप सच्चे भक्त हो गए। आज हाथ जो गजराज आज हाथी उसने आज उसके नेत्रों से आंसू आ गए उसने कहा हम कहां परिवार में पड़े थे आज उसके नेत्रों से आंसू तो आए और उसने भगवान की ऐसी स्तुति लिख दी आनंद आ गया सब भगवान की स्तुति तो उसने बड़ी सुंदर गाई लेकिन उसमें कोई भगवान का नाम नहीं लिया। एवं गजेंद्र मोपवरणित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदा विमाना नैते यदो पस पुनर्नखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मर्मयो विराविरासी। आज गजराज ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया। दुर्गा जी ने सोचा कम से कम चार हाथ वाली हमारी रक्षा करने आ जाओ इतना ही कह देता तो मैं चलती जाती बचा लेती। शेरों वाली बोली कम से कम इतना ही कह देते शेर पर बैठने वाली आ जाओ हम चले जाते। शंकर जी बोले कम से कम इतना बोल देता डमरू वाले आ जाओ त्रिशूल वाले आ जाओ हम चले जाते।
ब्रह्मा जी बोले भैया इतना बोल देता चार मुंह वाले आ जाओ हम चले जाते, चार मुंह वाले देवता आ जाओ हम, ब्रह्मा जी बिल्कुल तैयार थे। सब देवता बोले अब हमारा तो नाम नहीं इस स्तुति में, इस मंत्र में हमारा नाम ही नहीं लिया तो हम क्यों जाए बचाने। भगवान विष्णु देख रहे थे बोले गजराज डूबा जा रहा है, हाँ सूण सूण उसकी बाहर बची है, अब ज्यादा समय नहीं स्तुति गा रहा है और कोई देवता बचाने जाएगा नहीं। आज भगवान ने गरुड़ से कहा चलो और गरुड़ पर बैठ करके आज भगवान गजराज की रक्षा करने आए। और जब गजराज की रक्षा करने भगवान आए तो गजराज ने जब देख लिया कि भगवान नारायण मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं तो आज डूबते डूबते अपनी सूंड से एक कमल का पुष्प उसने तोड़ा और तोड़ करके आज भगवान को समर्पित करते हुए आज उसने भगवान नारायण का नाम लिया। नारायणम खिल गुरु भगवान नमस्ते, आज भगवान को कमल का पुष्प अर्पित किया। आपने देखा होगा चित्र में मगर पैर पकड़े हुए है हाथी का, गजराज सूंड से पुष्प दे रहा, भगवान गरुड़ पर बैठे हुए, ये तस्वीर अधिक देखने को मिल जाती है, ये वही कथा है। आज भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आवाहन किया और सुदर्शन चक्र से जो गजराज का पैर पकड़ रखा था जिस ग्राह ने उसका उद्धार पहले कर दिया। भगवान किसकी रक्षा करने आए थे? गजराज की, हाथी की, लेकिन उद्धार सबसे पहले उसका किया जिसने गजराज के पैर पकड़ रखे थे। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया भगवान ने, भगवान बोले हम बताना चाहते हैं कि हम अपने भक्त का उद्धार तो करते ही हैं लेकिन जो हमारे भक्त का भी पैर पकड़ लेता है उसका उद्धार उससे पहले कर देते हैं। जो भक्त का पैर पकड़ ले उसका उद्धार हम भक्त से भी पहले करते हैं, ये भगवान का स्वभाव। आज गजराज का भी उद्धार किया और ऐसे सुंदर महाराज कथा प्रसंग है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये पूर्व जन्म के गंधर्व थे और महाराज ये अपने अपने धाम को चले गए। क्या बोलना पड़ेगा जोर से? अभी आप सभी वामन भगवान का भी दर्शन करेंगे। खूब मेहनत हो रही ना कथा में आनंद आ रहा है, समझ में आ रही कथा? वाह ताली बजा के बताओ एक बार। वाह 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 महाराज खूब आनंद से कथा चल रही। हमारे पंडित जी यहाँ मूल पाठ का जाप कर रहे हैं, दूसरे पंडित जी सोच रहे हैं हमें क्या करना है, कलाकार भी सब बैठे हुए, हमारे नंदा स्टूडियो वाले ये भी कैमरे पर चल रहे हैं, वृंदावन से पधारे हुए कलाकार भी सब लगे हुए हैं और बस क्या बोलना पड़ेगा। यूके साउंड वाले भैया के लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। यूके यूके वाह। तो महाराज सोच लिया क्या करना है? और सोचो तो 5 मिनट आराम से सोचा करो, कोई जल्दी नहीं है। क्या बोलना पड़ेगा? कल हमारी लाइव की वीडियो पर एक कमेंट आई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि ये सकल ताड़ना के अधिकारी फेसबुक पे आई थी, शायद फेसबुक पे हमने वीडियो डाली, गुरुजी ये बताइए, हमने कहा वीडियो ही डाल देंगे फिर उनका नाम तो पता नहीं, भूल गए हम तो। एक चौपाई है रामायण में, ढोल गवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ये ताड़ना यहां पर ये नहीं है कि मारना पीटना, ताड़ना का अर्थ है नजर में रखना, जैसे अभी हम सबको नजर में रख रहे थे, अपनी मंडली से पूछ रहे थे ये कर रहे, हम सबको पता है हमें ताड़ रहे थे, हम पीट नहीं रहे थे। ताड़ना का अर्थ है, अब जैसे ये तबला है, ये तबला बजेगा तो ये ढीला हो जाएगा, इसको कस दिया जाता है। ढोल बजता है, ढोल तो ढोल बजते ढीला हो जाता है, उसको कस देना यानी नजर में रखना।
ढोल गवार कोई हो, गवार कोई हरकत ऐसी ना करे इसलिए उसको नजर में रखो। सूत्र काम करने वाले जो हो उनको, अब जैसे कोई घर का पलस्तर चल रहा हो, इंजीनियर ना हो तो वो सब काम चोरी कर लेंगे। सैनिक जब काम करेंगे, जब सेनापति होगा, नजर में रखना। गवार, शूद्र, पशु, ये सब नजर में रखना। इसका मतलब ताड़ना का मतलब पीटना या दंड देना नहीं है, केवल और केवल नजरों के आगे रखना ही होता है। अब लोग अपने अपने तरीके से ना जाने क्या करते। अच्छा, तुलसीदास जी की जो भाषा है ताड़ना, ये भाषा है हम हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। अब दी ये बुंदेलखंड में भी भाषा बोली जाती है, हमारे ललितपुर खुरई तरफ ताड़ना। भारत वर्ष में, ये हमारे भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें से एक ये महाराज भाषा में ताड़ना लिखा हुआ है। अगर आपको भारत को जानना है तो भारत की सारी भाषाओं को जानना पड़ेगा, तब आपको सब समझ में आएगा, ऐसी समझ में नहीं आता। अब जैसे इंग्लिश में सन सूर्य को कहते हैं और पुत्र को भी सन बोलते हैं, तो जब एक वर्ड के दो चीजें हो रही हैं तो यहाँ पे भी एक शब्द का कई अर्थ हो सकते हैं, व्यक्ति को समझना चाहिए। लोग ऐसा कह देते हैं, अरे ये तो ऐसा लिखा हुआ है, क्या बोलना पड़ेगा। आगे भागवत में कथा आती है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन महाराज जब हुआ, जब एक बार इंद्र ने अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया, इनको भगवान की प्रसादी माला दी, इन्होंने वो माला अपने ऐरावत हाथी पर डाल दी, उस माला के अपमान से महाराज लक्ष्मी श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। जब लक्ष्मी समुद्र में चली गई, देवता महाराज भागे भागे गए, दैत्यों ने स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया, दैत्यों का आधिपत्य हो गया। और जब दैत्यों का आधिपत्य हुआ, अब तो महाराज देवता समुद्र मंथन के लिए भगवान ने सलाह दी, देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन आरंभ किया। समुद्र मंथन जब हुआ, उसमें से 14 रत्न निकले, जिनमें अमृत श्रेष्ठ रत्न था। कल हम 14 रत्न की बड़ी सुंदर व्याख्या करके श्रवण कराएंगे आप सबको, जीवन के ऊपर, जो आज समय के कारण हम नहीं ले पाएंगे। 14 रत्न जो निकले समुद्र में से, वो सारे बताएंगे, और भगवान के 24 अवतार, ये सुंदर कथा हम कल प्रथम में ही श्रवण कराएंगे। अमृत जब निकला, धन्वंतरी जी महाराज के हाथ से दैत्य छीन कर भाग गए। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, दैत्यों को महाराज जल पान कराया, देवताओं को अमृत पान कराया। देवताओं के बीच में एक दैत्य बैठ गया, गलती से अमृत पान कर लिया। भगवान नारायण अवतार में आए और उसका महाराज सुदर्शन चक्र से धड़ अलग किया, लेकिन जब तक वो अमृत पान कर चुका था उसका बदल हुआ ही नहीं, वो अमर हो चुका था और वो अंत में राहु और केतु बन गया। दैत्य और देवताओं में संग्राम होने लगा, देवासुर संग्राम। देवताओं ने तो अमृत पान कर लिया था और सारे दैत्यों को मार दिया। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य जी ने सब दैत्यों को जीवित कर दिया संजीवनी विद्या से, और राजा बलि को अपना शिष्य जान कृपा कर दी। जब गुरु की कृपा होती तो गुरु बलवान तो चेला पहलवान हो जाता महाराज। आज जब राजा बलि पर गुरु शुक्राचार्य ने कृपा कर दी, कह दिया जो जो हम कहते जाए वो तुम करते जाओ, तुम्हारी कभी हार नहीं होगी। राजा बलि ने कहा जी महाराज। बोले 100 यज्ञ करना है, और जब तक यज्ञ चलेगा घर पर कोई भी आ जाए, असहाय आ जाए, निर्धन आ जाए, उसको हमेशा उसकी जो इच्छा हो पूरी करना। हमारे घर पर कोई अगर कुछ लेता हुआ मांग कुछ इच्छा करके आ जाए तो हम किवाड़ बंद कर देते। अगर कोई गाय हमारे द्वार पर आती है तो एक रोटी लेने तो आएगी, लेकिन फिर भी हम गेट बंद करके मार पीट करके आगे चलो। हमें और आपको चाहिए कि हमारा जो गृहस्थ धर्म है इसमें हम नियम का पालन करते रहें। कोई आ जाए
तो जो आपके पास व्यवस्था हो कम से कम कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, भगवान कब किस रूप में परीक्षा लेते वो नहीं जानते अपन। इसलिए गृहस्थ का धर्म यही कि कभी भी द्वार पर कोई आए, आपकी जो सामर्थ्य हो और ना हो तो प्रेम से आप निवेदन करेंगे तो मानेगा, लेकिन अपमान ना करना। आज जब महाराज राजा बलि के द्वार पर जो भी आता, निर्धन आता, असहाय आ जाता, उसकी हर इच्छा पूर्ण करते, ऐसे करके 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए राजा बलि ने। चारों ओर जय जयकार होने लगी, सब कुछ इनके पास यश वैभव संपदा प्राप्त हो गई। अब तो महाराज जब राजा बलि का चारों ओर यश गान होने लगा तो देवता घबराए, क्योंकि जो 100 यज्ञ पूरे कर लेगा वो इंद्र बनेगा। अब इंद्र घबराए, देवता सारे पहुंच गए भगवान के पास, प्रभु अगर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी जो चाह रहे और देवराज इंद्र अगर राजा बलि बन गए तो दैत्यों का राज आ जाएगा, प्रभु क्या होगा। और 100वां यज्ञ वो करने वाले हैं, कुछ उपाय करो। भगवान बोले चिंता ना करो, बहुत जल्द वामन भगवान का अवतार लेकर हम आ रहे हैं और अदिति माँ के गर्भ से भगवान वामन का अवतार हुआ है और पयुप्रत नाम का व्रत किया। जिनके यहाँ संतान नहीं होती, संतान होने में विलंब हो जाता कोई कारण से, वो पयोव्रत करे, ये अदिति मैया ने किया था। और जिनके यहाँ संतान ना हो, कई वर्ष हो गए हो, यदि वो अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड जो गोवर्धन में है उसमें रात्रि के 12 बजे पति पत्नी दोनों हाथ पकड़ के स्नान करते हैं, अहोई अष्टमी के दिन जो दीपावली के 8 दिन पहले आती है, उस दिन जो राधा कुंड में पति पत्नी स्नान करते हैं उनको निश्चित तौर पर संतान प्राप्ति होती। गोपाल सहस नाम का पाठ करते हुए, मंत्र करते हुए, नहीं तो केवल स्नान करने मात्र से राधा कुंड में, और उनको जब प्राप्त पुत्र हो जाता तो अगले वर्ष पुत्र को लेकर भी जाना और स्नान करना होता। आज पयोव्रत का महाराज पूरा नियम से व्रत किया और अदिति की माँ के गर्भ से वामन भगवान का अवतार हो गया। बोलो वामन भगवान।